पहले आप लोगों को एक आइडिया दे देता हूँ। देखिए, हम लोगों ने अभी पिछले ऑलमोस्ट 2 महीने या 3 महीने बोल देना चाहिए, फेब मार्च अप्रैल, ये 3 महीने में हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, न्यूली एडेड क्वेश्चन, अपना आरटीपी एमटीपी पास एग्जाम क्वेश्चन और टेस्ट या नॉलेज के क्वेश्चन, और अभी अपने जीएफआरएस के केस स्टडीज चालू है। रफली आप देख सकते हैं अपन ने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बैंक सॉल्व किया, जिससे अपने को एटलीस्ट एक ये आइडिया है कि इंस्टीट्यूट कौन से पार्ट से क्वेश्चन पूछता है और कौन से पार्ट से क्वेश्चन नहीं पूछता है ना। तो अपना फास्ट ट्रैक पे फोकस इस चीज के ऊपर रहेगा कि इंस्टीट्यूट कौन से पार्ट से क्वेश्चन पूछता है, तो वो वाले पार्ट में ना अपने कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर रहने चाहिए। तो वो वाले पार्ट के ऊपर फोकस करके अपन अपना पूरा का पूरा ये सेशन करेंगे, कंप्लीट करेंगे। जो 30 डेज का शेड्यूल है वो पूरा मैंने दिया था। आगे हम लोग कैसे प्रोसीड करेंगे ये पूरा का पूरा आज के लेक्चर के बाद में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप आगे के लेक्चर्स देख पाएंगे, वो पूरा प्रोसेस मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। और भी कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं, गुड मॉर्निंग अनिल जी, साक्षी जी, अमन जी, उर्वशी जी, सृष्टि जी, दीपिका जी और कृष्णा जी। ठीक है, फिलहाल मैं आप लोगों को एक आइडिया दे रहा हूँ, अभी हम लोग जब प्रोसीड कर रहे हैं तो दिस इज द फर्स्ट चैप्टर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। अगर आप देखेंगे हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए इतने दिनों में, तो जो सबसे पहला इंट्रोडक्शन है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यानी जहां पे आपके साथ टाइमलाइन डिस्कस की गई है, आपको एज सच टाइमलाइन से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं दिखेंगे। फिर भी जो थोड़े बहुत दिखते हैं वो टाइमलाइन से रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग जब इंडेस 101 डिस्कस करेंगे तब मैं आप लोगों को बता दूंगा। फिर दूसरा आप लोगों ने देखा है यहाँ पे बैलेंस शीट के फॉर्मेट की बात की गई है, यानी कि बात हो रही है शेड्यूल 3 की, है ना। ये हम लोग डिस्कस करेंगे जब मैं एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट लूंगा, यानी ये दोनों जब एंड एंड में हम पढ़ते रहेंगे ना तब हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अभी मैं इस सेशन की शुरुआत करूंगा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 से। अब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में अगर आप देखेंगे तो इसमें 3 कंसेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर क्वेश्चंस आते रहते हैं। एक तो होता है करंट नॉन करंट का बाइफर्केशन, बराबर ऑलमोस्ट किसी भी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में होता ही है, तो आपको पूछा रहता है बताओ इसमें से करंट में क्या जाएगा, नॉन करंट में कितना जाएगा। तो करंट नॉन करंट बाइफर्केशन बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए समझना, एक कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में क्या आता है, पीएल के अंदर में क्या आता है, जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के अंदर में आप लोगों को बताया गया है, ठीक है। और जो तीसरा कंसेप्ट है वो है लॉन्ग टर्म लोन अरेंजमेंट, जिसको हम लोग कार्व आउट के अंदर में भी देखते हैं, जिसके अंदर कार्व आउट का ट्रीटमेंट थोड़ा सा अलग है। तो हम लोग पहले इन 3 चीजों के ऊपर फोकस करेंगे इस चैप्टर को करते समय, और फिर उसके बाद फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर हम लोग जंप कर जाएंगे, ठीक है। तो कंसेप्ट वाइज विद क्वेश्चंस चलते हुए रहेंगे, कुछ क्वेश्चंस हमारे स्किप हो रहे हैं पर ये सारे के सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, यू डोंट नीड टू वरी। हम लोग सारे के सारे कंसेप्ट वाइज इस तरह से करेंगे कि हम लोगों को याद भी रह जाए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर, कुछ और लोग हमारे साथ जुड़े हैं, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का सेशन, ठीक है। आप लोगों के अगर कोई डाउट है तो मुझे बोल देना, सेशन आगे कैसे प्रोसीड होगा ये मैं पूरा का पूरा जब आज का सेशन एंड हो जाएगा उसके बाद मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोगों को लिंक्स मिलेगी, आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, कहां कहां देख सकते हैं, सब बाद में शेयर करेंगे। चलिए, तो सबसे पहला पार्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं करंट नॉन करंट बाइफर्केशन, ठीक है। अब करंट नॉन करंट बाइफर्केशन आईसीआई मॉड्यूल आप लोगों की 2.35 पेज नंबर के अंदर में दिया गया है, 2.35 पेज नंबर पे जितनी चीजें पढ़ा रहा हूं उतनी चीजें मॉड्यूल में मार्क करके रखना, उतनी चीजें पढ़ के रखना, ठीक है। चलिए, सबसे पहला वाला करंट नॉन करंट बाइफर्केशन के अंदर में करंट एसेट्स में देखिए, एन एंटिटी शैल क्लासिफाई एन एसेट एज करंट व्हेन, आप क्लासिफाई कब करोगे करंट, इसमें दो चीजें पहले ध्यान में रखो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमेशा करंट होता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमेशा करंट होता है। मेरे बैंक में कैश पड़ा है वो करंट है, मेरे पास खुद करेंसी पड़ी है करंट है, मेरे फॉरेन में कोई बैंक के अंदर में कैश पड़ा है वो भी करंट है, मैंने कोई ऐसे शेयर्स खरीद के रखे हैं जो लिस्टेड है, समझ रहे हैं, जो लिस्टेड है पर मेरा इंटेंशन है उनको 3 महीने के अंदर अंदर बेच देने का, 3 महीने के अंदर अंदर बेच देने का, मैं उन्हें भी करंट ही क्लासिफाई करूंगा, उन्हें भी मैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बोलूंगा। इस बात पे अगर किसी को भी डाउट है तो बोलिएगा, मैंने शेयर्स लिए हैं लिस्टेड है 3 महीने के अंदर इंटेंशन है बेच देने का, मैं उन्हें भी कैश इक्विवेलेंट बोलता हूं। वैसे तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 में इसके ऊपर और डिटेल डिस्कशन होता है, पर ये आपको समझना जरूरी है कि मैं इसे दिखाने वाला कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं हूं। किसी को भी इस पॉइंट के ऊपर डाउट होगा तो मुझे बताइएगा। इस पॉइंट में सबसे ज्यादा डाउट लोगों को होता है फिक्स डिपॉजिट को लेकर, ठीक है। एक क्वेश्चन है, सर इस कोर्स को ज्वाइन करने का लिंक कहाँ मिलेगा? राजेश जी, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। अभी आज और कल का सेशन तो सभी लोगों के लिए फ्री है,
दो दिन के सेशन तो सभी लोगों के लिए फ्री है, तीसरे दिन से अपन प्राइवेट लिंक्स के अंदर में चलेंगे, ठीक है। चलो एफडी को लेके, अब जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं ना, सब लोग साथ साथ में आंसर करने की भी कोशिश करेंगे, साथ साथ में आंसर करना है आप लोगों को, मुझे बताइए। एफडी की बात करेंगे अपन लोग, फिक्स डिपॉजिट आपको क्या लगता है कैश इक्विवेलेंट होता है या नहीं होता है इन जनरल। मैंने एफडी कराया, मैंने 12 महीने का एफडी कराया, मैंने 12 महीने का एफडी कराया इन जनरल टर्म्स, कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि मैंने क्यों ये एफडी करा के रखा है, मैं इसे कैश इक्विवेलेंट बोलूंगा या नहीं बोलूंगा, येस और नो, जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं सभी लोग इसको आंसर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। साक्षी जी, पेड कोर्स है, पहले दो दिन तो फ्री है आज और कल का, उसके बाद से ये पेड कोर्स रहेगा। सृष्टि जी ने कहा है, नहीं ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं है, बाकी लोग प्लीज सब लोग अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। इफ विद इन 3 months देन करंट, नो नॉन करंट, अरे करंट नॉन करंट नहीं पढ़ रहे हैं अभी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है या नहीं ये बताइए, ठीक है ना, करंट नॉन करंट की बात नहीं हो रही अभी। तो आप में से मैक्सिमम लोगों का कहना है नहीं सर ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं है, अमित जी ने कहा है कि हाँ ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो ये सबसे मेन मुद्दा होता है जिसके ऊपर डिस्कशन होता है, ध्यान रखिए एफडी इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है, एफडी इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। आप बोलोगे सर 12 महीने क्या एफडी तोड़ी नहीं जा सकती, मुझे बताओ क्या एफडी तोड़ी नहीं जा सकती। कैश कैश इक्विवेलेंट क्या होता है, एनीथिंग दैट इज इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इजीली एफडी बहुत इजीली कन्वर्ट हो सकती है, ऑन डिमांड, मैं डिमांड करूंगा बैंक मुझे दे देगा पैसा, आप समझ रहे हैं। जनरल टर्म्स में, जनरल टर्म्स में एफडी इज ऑलवेज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये 12 महीने हो, ये 24 महीने हो, ये 5 साल हो, ये कितना भी एफडी हो, मैं एफडी को कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ही बोलूंगा। ये पहला बेसिक कंसेप्ट अपने दिमाग में रखिए कि एफडी इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि आपने ये एफडी लेके रखी थी अगेंस्ट, वो क्या बोलते हैं अपन, एक्सपोर्ट, वो गारंटी, गारंटी, बैंक गारंटी, बैंक गारंटी, सॉरी बीजी, ठीक है, बैंक गारंटी के अगेन बैंक ने बोला एफडी करा दीजिए, एफडी के अगेंस्ट हम लोग बैंक गारंटी दे देंगे, बैंक गारंटी के अगेंस्ट की भी एफडी है, और ये जो बैंक गारंटी है ये 12 महीने की है, किसी एक एक्सपोर्ट के अगेंस्ट बैंक ने 12 महीने तक की गारंटी देके रखी है। अब क्या ये एफडी को मैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बोल सकता हूं, करंट नॉन करंट बाइफर्केशन की अभी बात नहीं करेंगे, करंट नॉन करंट बाइफर्केशन बाद में पढ़ रहे हैं, मैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आपको सिर्फ एफडी समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। चलिए, और किसी को भी इस बात पर डाउट होगा ना तो बोलना। एक मैंने आपको शेयर्स की बात की, शेयर्स लिस्टेड है, मेरा इंटेंशन है 3 महीने के अंदर बेचने का, कैश इक्विवेलेंट होगा एफडी, कैश इक्विवेलेंट होगा, ठीक है, बट अगेंस्ट बैंक गारंटी है, अगेंस्ट बैंक गारंटी है तो मैं तोड़ नहीं सकता, आप समझिए मेरी मजबूरी है, नॉट इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश, जब तक ये बैंक गारंटी खत्म नहीं हो जाती ना तब तक ये इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश नहीं है, तो ऐसे में अब ये कैश इक्विवेलेंट नहीं होगा, ठीक है। ऊपर जनरल टर्म में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, अगेंस्ट एनी बैंक गारंटी कैश इक्विवेलेंट नहीं है। किसी को भी किसी भी प्रकार का डाउट है तो मुझे बोलिएगा। तो आप में से कई लोगों ने बोला नहीं सर अभी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश, ठीक है। किसी को भी डाउट है तो रेज कीजिएगा, किसी को भी डाउट है तो रेज कीजिएगा। हाँ भाई, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगेंस्ट बैंक गारंटी की बात किया मैंने, कभी कभी क्या होता है, एक और एक रूल होता है पर वो इंस्टीट्यूट आपको पूछता नहीं है, मैं सिर्फ बोल के छोड़ दे रहा हूं, उसके ऊपर आप लोग अभी फिलहाल क्वेश्चन वगैरह मत करना, आपको क्वेश्चन करना होगा तो पर्सनली मुझे व्हाट्सएप कर देना। अगर एफडी को तोड़ते समय जो पेनल्टी लग रही है, जैसे इंटरेस्ट रेट होता है ना कि एफडी अगर आप ऐसे 7% की एफडी है पर अगर आप अर्ली मैच्योर करेंगे तो आपको सिर्फ 5% मिलेगा, तो ये जो डिफरेंस है अगर ये मटेरियल है, मतलब सिग्निफिकेंट पेनल्टी लग रही है, यानी जो दोनों के बीच का डिफरेंस है वो मटेरियल है जिसके कारण आप एफडी को नहीं तोड़ेंगे, मतलब स्कोप ही नहीं है कि एफडी को तोड़ेंगे, पुराएगा ही नहीं वो एफडी को तोड़ना, तो ऐसे केस में हम एफडी को कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं बोलते हैं। ये मैं सिर्फ बोल के छोड़ दे रहा हूं, इंस्टीट्यूट इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछता, इंस्टीट्यूट अगेंस्ट बैंक गारंटी पूछता है, ठीक है। तो अगर इस बात पे किसी को भी कोई डाउट होगा ना कि अगर मटेरियल डिफरेंस है कि मैंने अर्ली मैच्योर किया तो बहुत ही कम इंटरेस्ट मिलेगा, तो स्कोप ही नहीं है कि मैं इसे अर्ली मैच्योर करूंगा, या पेनल्टी बहुत ह्यूज रहेगी अर्ली मैच्योरिटी पे, तो मैं इसे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं बोलूंगा। किसी को डाउट होगा ना तो मुझे बाद में पर्सनली व्हाट्सअप कर देना, ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता इसलिए मैं अभी इसको नहीं ले रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका एग्जॉस्टिव लिस्ट है क्या कोई कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का? नहीं राजेश जी, एज सच कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट आप किसी चीज को नहीं बोल सकते, एग्जॉस्टिव इसके अंदर में कुछ भी नहीं हो सकता एज सच देखा जाए तो, क्योंकि देखो मैं आपको 10 चीजें बताऊंगा फिर उसके बाद में कोई एक नए केस में एक नया पॉइंट उठेगा तो फिर वहां पे कुछ और कहानी हो जाएगी। चलो जाने दो, आप लोग ये वाला पॉइंट समझ गए। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं हेल्ड फॉर ट्रेडिंग की।
अगर कोई चीज आपके पास ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ट्रेडिंग के लिए ही पड़ी है, इट विल ऑलवेज बी कंसिडर्ड एज करंट. द एसेट इज प्राइमरीली हेल्ड फॉर ट्रेडिंग विल ऑलवेज बी कंसिडर्ड एज करंट. यहां बात हो रही है फिनिश गुड्स की, फिनिश गुड्स की, बिकॉज फिनिश गुड्स आर ऑलवेज हेल्ड प्राइमरीली फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग. बराबर है? क्या रॉ मटेरियल भी आएगा इसमें? यस और नो बताइएगा. क्या रॉ मटेरियल भी आएगा? पहला सवाल. दूसरा सवाल, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स. हम सब लोगों ने कभी ना कभी पढ़ा है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में कुछ शेयर्स ऐसे होते हैं जिनको आप FVTPL क्लासिफाई करते हैं. बराबर है? फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. FVTPL क्या होते हैं? विच आर प्राइमरीली हेल्ड फॉर ट्रेडिंग. पर्पस क्या है? ट्रेडिंग के लिए हमने होल्ड करके रखा है. क्या उनमें भी करंट नॉन करंट हो सकता है? मतलब मैंने FVTPL के लिए शेयर्स लेके रखे हैं ट्रेडिंग पर्पस के लिए, ठीक है ना, क्या उन्हें भी यहां पे इस पॉइंट के हिसाब से करंट क्लासिफाई किया जाएगा, या FVTPL वाले शेयर्स भी करंट नॉन करंट बाइफरकेट हो सकते हैं? सोच समझ के बताइएगा. बी वाला पॉइंट में दो सवाल पूछे मैंने, क्या रॉ मटेरियल इसमें आता है? दूसरा, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में वो शेयर्स जो मैंने प्राइमरीली ट्रेडिंग पर्पस के लिए खरीद के रखे हैं, क्या उसके बारे में भी ये बात कर रहा है? दो चीजें फटाफट आंसर करने की कोशिश कीजिए. इफ बैंक गारंटी इज लेस देन 12 मंथ्स, उर्वशी जी, अगर बैंक गारंटी इज लेस देन 12 मंथ्स तो उसमें करंट में क्लासिफाई होगा. वो हमारे पॉइंट ए और सी के अंदर में जा रहा है. आपने पूछा है, मैं आपको बता रहा हूं, उसे करंट क्लासिफाई किया जाएगा लेस देन 12 मंथ्स के केस में, ठीक है? तो सागर जी का कहना है यस, रॉ मटेरियल के केस में इसमें आएगा, रॉ मटेरियल इसमें आएगा इफ रॉ मटेरियल सेलेबल फ्रॉम सेलेबल. देखिए अदिति जी, रॉ मटेरियल कभी हम सेल नहीं करेंगे, हमारे लिए वो हमेशा फिनिश गुड्स में कन्वर्जन के लिए होगा, ठीक है? तो ये ध्यान में रखिएगा. रॉ मटेरियल इज इंटेंडेड टू बी कंज्यूम नॉट फॉर ट्रेडिंग, ये अनंत जी ने कहा है. यस कवर होगा. तो आप में से मैक्सिमम लोगों का कहना है कि यस ये कवर होगा, ठीक है? अब एक बात मैं इन जनरल आप सब लोगों के साथ में शेयर करना चाहूंगा कि आप लोग बोल तो रहे हैं कि ये करंट है, और बहुत सारे टीचर्स बोलते हैं कि देखिए रॉ मटेरियल अगर आप शेड्यूल 3 में देखेंगे तो शेड्यूल 3 के अंदर में कहीं पे भी रॉ मटेरियल अलग से दिया हुआ नहीं है. नो आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट एनीवन, हर एक जन का अपना व्यू पॉइंट होता है. तो मैं मेरा व्यू पॉइंट रख रहा हूं आप लोगों के सामने. रॉ मटेरियल के बारे में इंस्टीट्यूट ने भी आज तक कभी कमेंट नहीं किया है, और एज सच देखा जाए तो मेरा भी यही कहना है जो अनंत जी बोल रहे हैं, बाबा ट्रेडिंग के लिए नहीं है रॉ मटेरियल, कंजम्पशन के लिए है. और कंजम्पशन वर्ड अगर आप उसके एक ऊपर देखेंगे तो आपको कंजम्पशन वर्ड दिखेगा. अगर उनको लिखना होता तो वी पॉइंट में ये भी लिखते एंड कंजम्पशन. मैं रॉ मटेरियल में ट्रेड थोड़ी करता हूं, रॉ मटेरियल तो मेरा सिर्फ फिनिश गुड्स कन्वर्जन के लिए लिया गया है, मैं उसे इस पॉइंट के अंदर नहीं ले सकता. तो रॉ मटेरियल हमेशा करंट नहीं हो सकता, रॉ मटेरियल हमेशा करंट नहीं हो सकता, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है? दूसरा, मैंने आपको FVTPL इंस्ट्रूमेंट्स की बात कही थी जिसके ऊपर अदिति जी ने कहा है यस यस, अगर मेरा इंटेंशन किसी शेयर को लेकर ट्रेडिंग का ही है, प्राइमरली ट्रेडिंग का ही है, यानी इसीलिए FVTPL क्लासिफाई किया. वो इररिवोकेबल क्लासिफिकेशन की बात नहीं कर रहा कि मैंने इररिवोकेबल क्लासिफिकेशन FVTPL कर दिया, नहीं नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूं मेरा इंटेंशन ट्रेडिंग का, इसीलिए FVTPL क्लासिफाई किया. दे विल ऑलवेज बी क्लासिफाइड एज करंट, वो भी इस पॉइंट के अंदर में कवर हो रहा है. पर रॉ मटेरियल इस पॉइंट में मेरे हिसाब से कवर नहीं होता है, रॉ मटेरियल कवर होता है पॉइंट नंबर ए. अब पॉइंट नंबर बी पे एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है, फिनिश गुड्स मैंने खरीदे, मुझे लगता है कि ये फिनिश गुड्स ना 24 महीने के बाद बिकेंगे, मुझे लगता है कि ये फिनिश गुड्स को बिकने में 24 मंथ्स लग जाएंगे, ऑपरेटिंग साइकिल 20 महीने का है, ऑपरेटिंग साइकिल 20 महीने का है. आंसर करेंगे सब लोग, ऑपरेटिंग साइकिल 20 महीने का है, मुझे लगता है ये फिनिश गुड्स को 24 महीने लग जाएंगे बिकने के लिए, करंट या नॉन करंट? और आप लोगों को रॉ मटेरियल से रिलेटेड कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा, ठीक है? दीपिका जी ने कहा था FVTPL के लिए नो पर रहता है, ठीक है, बट सर मेथड ऑफ अकाउंटिंग ऑफ रॉ मटेरियल एज पर इंड एस 2. हाँ देखिए जयशंकर जी, मेथड ऑफ अकाउंटिंग एज पर इंड एस 2 ही होगा. मैं मेथड ऑफ अकाउंटिंग को लेकर कुछ मना नहीं कर रहा ना आपको, मेथड ऑफ अकाउंटिंग इज एज पर इंड एस 2. मैं तो करंट नॉन करंट बाइफरकेशन समझा रहा हूं. पॉइंट नंबर बी क्या बोलता है, समथिंग दैट इज हेल्ड फॉर ट्रेडिंग पर्पस, ट्रेडिंग के लिए नहीं है ना रॉ मटेरियल, वो इन्वेंट्री है. मैं मना थोड़ी कर रहा हूं आपको कि इन्वेंट्री नहीं है, बाबा इन्वेंट्री है वो आपकी, ट्रेडिंग के लिए है क्या? नहीं, इसीलिए उसको मैं फिनिश गुड्स बोल रहा हूं, समझ गए? किसी का डाउट अगर मेरा छूट गया होगा ना प्लीज रिपीट कर दीजिएगा. तो नॉन करंट में कहा शीला जी ने, वानी जी ने, मैक्सिमम लोगों ने नॉन करंट कहा है, तनिषा जी ने करंट कहा है, और भी कई सारे लोगों ने बीच बीच में नॉन करंट कहा है. अरे यही तो पॉइंट है, समथिंग दैट इज हेल्ड फॉर ट्रेडिंग इज ऑलवेज करंट, समथिंग दैट इज हेल्ड फॉर ट्रेडिंग इज ऑलवेज करंट, ये हमेशा करंट रहेगा. अब मैं आप लोगों को बोलता हूं कि फिनिश गुड्स मेरा ऑपरेटिंग साइकिल है 20 महीने का, मेरे फिनिश गुड्स 24 महीने के बाद बिकेंगे, करंट, अरे इट इज हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, ट्रेडिंग पर्पस के लिए रखा है मैंने, अब वो कभी भी बिके इट डजंट मैटर. तो स्ट्रीमिंग का इशू आ रहा है, एक मिनट रुकिए जरा.
ठीक है, बोलो किसी को कोई डाउट? अरे मैं इसको 60 महीने कर देता हूं, करंट 60 महीने करूंगा तो भी करंट, आप कुत्ता भी चेंज करा दो, फिनिश गुड्स विल ऑलवेज बी कंसिडर्ड एज करंट। यही तो समझा रहा है वो, यही तो समझा रहा है वो, और यही मैंने आपको एफडी में भी समझाया। एफडी 5 साल का ही क्यों ना हो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, करंट इट विल ऑलवेज बी क्लासिफाइड एज करंट, ठीक है, इररेस्पेक्टिव ऑफ लेंथ ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। यस राजेश जी, इररेस्पेक्टिव ऑफ द लेंथ ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। अरे 5 महीने का ऑपरेटिंग साइकिल बोल दो, करंट अल्टीमेटली रॉ मटेरियल इज ऑल्सो फॉर ट्रेडिंग एंड पार्ट ऑफ स्टॉक। हाँ मंजय जी, इस पॉइंट के ऊपर ना मैं आपको एक बात समझाता हूँ। देखो एक सिंपल सा कंसेप्ट होता है जो आप लोगों ने कॉस्टिंग में भी पढ़ा है, अब ये पॉइंट आपने रेज किया इसीलिए मैं बताता हूँ। मैं सुमित सारडा हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, मेरे लिए सर्विस मेरा आउटपुट है, यानी फिनिश गुड्स है, मैं जो क्लासेस दे रहा हूँ वो मेरे लिए मेरे फिनिश गुड्स है। मेरे लिए रॉ मटेरियल क्या है? मेरा टैबलेट, बराबर है? तो ऐसे ही बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स रहते हैं, पर मैं मेरे केस में आप लोगों को बताता हूँ जिससे आपको थोड़ा बहुत समझेगा, ये आप अपने पर्सनल केस में भी आप लोग लगा सकते हैं। जैसे आपका काम है ऑडिट करना तो वो आपके लिए आपका फिनिश गुड्स है, तो आपके लिए रॉ मटेरियल क्या है? कंप्यूटर। अब मैंने ये टैबलेट सपोज कीजिए 50,000 रुपए में खरीदा, 50,000 रुपए में, क्या मैं नेक्स्ट डे इसे 50,000 में बेच सकता हूं? अगर आपको भी टैबलेट चाहिए और मुझे अब टैबलेट का काम नहीं है, मैं सोच रहा हूं यार टीचिंग छोड़ देता हूं, या मैं दूसरा टैबलेट ले लूंगा, ये टैबलेट का मेरे को कोई काम नहीं है, ये मेरे लिए रॉ मटेरियल है, क्या ये 50,000 रुपए में मैं बेच सकता हूं? क्या ये बिक जाएगा 50,000 रुपए में? इज इट पॉसिबल टू सेल इट फॉर 50,000 रुपीज? फटाफट बताइए। हाँ हर्षित जी, अभी मैं जो पूछ रहा हूँ वो एग्जाम्पल से सोचिए ना, आप फिक्स एसेट पे क्यों जा रहे हैं? देखिए मैं जैसे टीचिंग कर रहा हूँ तो मेरे लिए एक प्रकार का रॉ मटेरियल हो गया, मतलब टीचिंग तो सर्विस है। अब आप वैसे करेंगे तो एक इन जनरल समझिए, मेरे लिए रॉ मटेरियल है ना एक प्रकार का, वैसे एक बार लेके तो देखिए ना एग्जाम्पल को। हाँ तो अब आप लोग ये समझिए कि नहीं बिक सकता ये 50,000 में। देखिए मैं वो एग्जाम्पल लेने की कोशिश कर रहा हूँ जो आप कोरिलेट कर सकते हैं, इसीलिए तो 50,000 रुपये में भी तो बिकना पॉसिबल नहीं है, मुझे बेचना है तो मुझे इससे कम में ही बेचना पड़ेगा। पर जबकि जो चीज ट्रेडिंग के लिए होती है ना वो हमेशा आपके कॉस्ट से ऊपर ही बिकती है, अनलेस उसका एनआरवी गिर चुका है, अनलेस उसका एनआरवी गिर चुका है। तो आप एक कंसेप्ट समझिए, अगर मेरा काम कंप्यूटर्स बेचने का है तो मैं कंप्यूटर, ये सॉरी टैबलेट बेचने का है तो मैं टैबलेट जो प्राइस में खरीद रहा हूँ ऑब्वियस सी बात है उससे ज्यादा में मैं बेच सकता हूँ, ठीक है, पर मैं टैबलेट का मैन्युफैक्चरर हूं, अगर मैन्युफैक्चरर हूं और इस मैन्युफैक्चरिंग के लिए जैसे ये प्लास्टिक से बना है तो ये प्लास्टिक जब मैंने खरीदा और मैं इस प्लास्टिक को एज इट इज बेचने जाऊंगा ना तो मैं प्रॉफिट नहीं कमा पाऊंगा, क्योंकि वो मेरा बिजनेस नहीं है, कोई मेरे पास प्लास्टिक खरीदने के लिए नहीं आता है, कोई मेरे पास प्लास्टिक खरीदने नहीं आता, आप समझिए रॉ मटेरियल कोई खरीदने नहीं आता है। तो आप जो आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं कि सर रॉ मटेरियल भी अल्टीमेटली ट्रेडिंग के लिए है, नहीं, इट डजेंट स्टैंड, क्योंकि वो मैं कंज्यूम कर रहा हूं। ऐसा अगर होता तो ऊपर कंज्यूम वर्ड की यूज था तो नीचे भी कंज्यूम वर्ड यूज कर देते ना, समझिए वो नहीं है यहां पे, ठीक है, वो केस नहीं है यहां पे। आई होप अब क्लियर है। रॉ मटेरियल बी पॉइंट में मेरे हिसाब से नहीं आता, पर मैं आपको कहा कि कई सारे फैकल्टीज बोलते हैं कि इस पॉइंट के अंदर रॉ मटेरियल भी आता है, ये अलग अलग व्यू पॉइंट है, इंस्टीट्यूट भी इसके बारे में कुछ बोलता नहीं है, मैं मेरा व्यू पॉइंट आपके सामने रख रहा हूं। अब एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह का आएगा वो मैं डिस्कस करने वाला हूं, रॉ मटेरियल से रिलेटेड क्वेश्चन ए या सी पॉइंट के अंदर में आता है, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एफईटीपीएल वाला पॉइंट रिपीट कर दीजिए। देखिए वानी जी क्या हुआ, अगर मैंने कोई शेयर खरीदा है प्राइमरली फॉर ट्रेडिंग तो मैं तो कल बेच दूं, मैं तो शेयर, अभी आप जैसे रिलायंस का शेयर खरीदते हो सपोज करो कि 1,800 रुपए में शेयर मिल रहा है और आपका टारगेट है यार 2,000 रुपए में तो बिक जाएगा, तो 2,000 अगले दिन आया आप अगले दिन बेच दोगे ना, हाउ डज इट मैटर, आपने तो बेचने के लिए खरीदा है तो आप तो कल बेचने को तैयार हो इस शेयर को, तो इट इज ऑलवेज क्लासिफाइड एज करंट। विद इन 3 मंथ्स तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आ जाएगा, 3 महीने के ऊपर है तो पर्पज ट्रेडिंग का ही ना, है तो पर्पज ट्रेडिंग का ही, तो इट विल ऑलवेज बी क्लासिफाइड एज करंट। पर एक होता है इररिवोकेबल इलेक्शन, उसके बारे में मैं अभी बात नहीं कर रहा क्योंकि हमने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पढ़ना शुरू नहीं किया है, वो यहां पे नहीं आता, इररिवोकेबल इलेक्शन अलग कहानी है, उसको जाने दीजिए। एफईटीपीएल क्या होता है? समथिंग दैट इज प्राइमरली हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, वो इन्वेस्टमेंट जो मैंने प्राइमरली ट्रेडिंग पर्पज के लिए लिया, ऑब्वियस सी बात है वो करंट होंगे, ठीक है। हाँ भाई और क्या क्या है? इफ द रॉ मटेरियल हम कंज्यूम और सेल दोनों कर रहे हैं तो करंट होगा। हाँ अर्षित जी, अगर आप रॉ मटेरियल बेचते भी है, जैसे फिएट कंपनी अपना इंजन दूसरों को भी बेचती है, दूसरी कंपनी इसको टाटा परचेज करती है फिएट से इंजन, और वो खुद भी कंज्यूम करते हैं अपनी खुद की कार बनाने के लिए, तो रॉ मटेरियल बिकता भी है मार्केट में और खुद भी कंज्यूम होता है, तो ऐसे केस में मैं इसको प्राइमरली हेल्ड फॉर ट्रेडिंग के अंदर ले लूंगा, तो आप जो बोल रहे हैं वो सही है। पर अगर मैं बेचता नहीं हूं खुद रॉ मटेरियल को तो फिर वो यहां पे नहीं आ सकता, फिर वो प्राइमरली हेल्ड फॉर ट्रेडिंग में नहीं आएगा, ठीक है। प्लीज टेक शेड्यूल 3 ऑल्सो विद द क्लास। जयशंकर जी, शेड्यूल 3 लेंगे हम, पर लास्ट में लेंगे, ठीक है, 101 के टाइम पे मैं, यानी मेरे एंडिंग के शेड्यूल में है शेड्यूल 3 लेना,
मुझे पढ़ाना है शेड्यूल थ्री, मैं छोड़ नहीं सकता, शेड्यूल थ्री से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। ऑल्सो कैन वी सी इट दिस वे, रॉ मटेरियल कैन बी ट्रेडेड बट इट इज नॉट प्राइमरली हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, बोल सकते हैं सृष्टि जी? सर वॉट इज द रेफरेंस फॉर द फैक्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लेस देन 3 मंथ्स, वेयर इट इज रिटन? अनंत जी आपको इंडिया 7 में मिलेगा कि जनरली थ्री मंथ्स यूज किया है वहां पर वर्ड, उन्होंने ऐसा कंपल्सरी 3 मंथ्स यूज नहीं किया, जनरली 3 मंथ्स वर्ड यूज हुआ है, इंडिया 7 में देखेंगे हम लोग, ठीक है। चलो तो बी पॉइंट डी पॉइंट वॉज वेरी इजी, नॉट टॉकिंग अबाउट पॉइंट नंबर ए पॉइंट नंबर सी, ठीक है। पॉइंट नंबर सी वेरी सिंपल, 12 मंथ्स फ्रॉम रिपोर्टिंग डेट, 12 मंथ्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड, यानी आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड यानी जहां रिपोर्टिंग डेट एंड हो रही है उस दिन से 12 महीने के अंदर अगर कोई चीज रियलाइज हो जाएगी तो फिर हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसको करंट बोलेंगे, ठीक है। हाँ तृप्ति जी का कहना है सर ट्रेडेड शेयर्स कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो सकते हैं, विद इन 3 मंथ सेल कर रहे हैं, हाँ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये तो मैंने पहले ही बोल दिया ना आपको, पहले ही बोल दिया। अब आप पॉइंट नंबर डी में बोले या पॉइंट नंबर बी में बोले, आर्ग्यूमेंट है ही नहीं ना, दोनों ही केस करंट है, मैं बी के बेसिस पे बोलूं या डी के बेसिस पे बोलूं, आइदर केस इट इज करंट, ठीक है ना। चलिए अब ध्यान दीजिए ना, अभी आप सी पॉइंट पे ध्यान दीजिए। सी पॉइंट क्या बोलता है, अगर रिपोर्टिंग डेट से 12 महीने के अंदर अंदर, ये है मेरा रिपोर्टिंग डेट 31 मार्च 2001, इससे 12 महीने होते हैं 31 मार्च 2002, अगर इस बीच मुझे कोई रियलाइज हो जाने वाला है कोई अमाउंट तो वो करंट कहलाएगा, वो नॉन करंट नहीं कहलाएगा, ठीक है। चलो मेरे डेटर्स है, ये बने किस दिन, ये बने 1 जनवरी 2001 को, ठीक है, कब बने, 1 जनवरी 2001 को, ये पैसे मुझे रियलाइज हो जाएंगे 30 मार्च 2002 को, समझ रहे हैं, 30 मार्च 2002 को। अगर मैं यहां पे आपको पीरियड बोलूं तो 15 मंथ्स हो रहा है, बताइए करंट या नॉन करंट, फटाफट आंसर करने की कोशिश करेंगे, करंट या नॉन करंट, तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेट्स अज्यूम ऑपरेटिंग साइकिल इज ऑल्सो 12 मंथ्स, यहां स्टैंडर्ड में यह भी दिया गया है कि अगर ऑपरेटिंग साइकिल इजीली आइडेंटिफाइबल नहीं है तो वी जनरली कंसीडर इट टू बी 12 मंथ्स, ये भी दिया गया है। ऑपरेटिंग साइकिल के पॉइंट पे मैं आया नहीं, ऑपरेटिंग साइकिल ए पॉइंट है, अभी हम इसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। जयशंकर जी का कहना है इन केस एनी सीजनल बिजनेस विल रेवेन्यू जनरेटिंग एसेट्स बी क्लासिफाइड एज करंट और नॉन करंट, सीजनल के अंदर में भी ऑपरेटिंग साइकिल बढ़ जाएगा ना अगर सीजनल है तो, जयशंकर जी, ठीक है। तो कई लोगों ने करंट बोला है, कुछ लोगों ने नॉन करंट बोला है, कहां से देखना है, कहां से देखना है, यहां से देखना है, तो यहां से 12 महीने के अंदर अगर ये पैसा रियलाइज हो जाएगा तो करंट, नहीं तो नॉन करंट। कौन से डेट से देखेंगे, रिपोर्टिंग डेट से देखेंगे, रिपोर्टिंग पीरियड के एंड से, आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड यानी रिपोर्टिंग डेट से देखना है, रिपोर्टिंग डेट से 12 महीने में पैसा मिल जाएगा तो करंट, अदरवाइज नॉन करंट, समझ में आ रहा है यहां तक के? तो ये करंट हो गया, ये करंट हो गया, आप में से कई लोगों ने इसका आंसर एकदम सही दिया है। तो ध्यान रखिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमेशा करंट, फिनिश गुड्स हमेशा करंट, ये 12 रिपोर्टिंग डेट से 12 महीने के अंदर अगर कोई पैसा मिल जाएगा हमेशा करंट, हमेशा करंट। मैंने एफडी लेके रखी है, 5 साल की एफडी, 5 साल की एफडी लेके रखी है, ठीक है। एक जनवरी 2001 मैंने एफडी ली, कितने साल की एफडी ली, 5 साल की ली, तो 31 मार्च 2001 को, इसे मैं करंट बोलूंगा या नॉन करंट, दूसरी डेट 31 मार्च 2000, को करंट हो गया नॉन करंट, फटाफट ये दो डेट्स दिए मैंने आपको, दोनों डेट्स पे क्या क्या होगा, 31 मार्च 2001 को क्या होगा, 31 मार्च 2005 को क्या होगा, फटाफट बताएंगे। 5 साल की एफडी लेके रखिए 31 मार्च 2001 को, यानी मैच्योरिटी डेट हो गई 31 दिसंबर 2006 हुई ना, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 1 पूरा 2 पूरा 3 पूरा 4 पूरा 5 पूरा, नहीं नहीं 31 दिसंबर 2005 हुई मैच्योरिटी, मैच्योरिटी डेट 31 दिसंबर 2005 हुई, ठीक है। ये कन्फ्यूजन बहुत स्टूडेंट्स को होता है, वो 6 लिख देते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स, हमको फाइनेंशियल ईयर की आदत होती है ना अप्रैल से मार्च की, यहाँ पे जनवरी लिख के रखा है मैंने, ठीक है ध्यान रखना। पहला वाला तो नॉन करंट है ऐसा कहा है, चलो ठीक है ये नॉन करंट है, करंट होगा दोनों डेट्स पर, सृष्टि जी ने कहा है करंट होगा दोनों डेट पर, सृष्टि जी क्यों, क्यों सृष्टि जी करंट क्यों होगा दोनों डेट्स पे, जयशंकर जी ने बोला है नॉन करंट, करंट ऑलवेज हर्षित जी ने लिखा है, ऐसा क्यों, बोथ करंट, करंट बोथ, ये दोनों बोथ करंट क्यों बोल रहे हैं सब लोग, बोथ करंट क्यों बोल रहे हैं,
मेरे हिसाब से यहां करंट होना चाहिए था। तो बोथ करंट क्यों बोल रहे हैं आप लोग, क्या हो गया? इतने सारे लोग बोथ करंट बोल रहे हैं यार, मैं कंफ्यूज हो गया हूं। फर्स्ट ओनली करंट, सेकंड वाला नॉन करंट। अरे उर्वशी जी, आपका आंसर तो उल्टा हो गया बाकियों से। आपने कहा था एफडी ऑलवेज करंट, क्या बात है अर्षित जी। एफडी इज कैश एंड कैश इक्वेलेंट, ठीक है। एफडी मैंने क्या कहा था, अरे एफडी क्या होता है, एफडी कैश एंड कैश इक्वेलेंट होता है ना। तो दोनों टाइम पे करंट, दोनों टाइम पे करंट, समझ रहे हैं, दोनों टाइम पे करंट। ये ध्यान रखिए, मैंने डिबेंचर्स लिए हैं 5 साल के, मैंने डिबेंचर्स लिए हैं 5 साल के, 1 अप्रैल 2001 को लिया था, ठीक है, 1 अप्रैल 2001 को लिया था। 31 मार्च 2001 को क्या होगा और 31 मार्च 2005 को क्या होगा, फटाफट बताइए अभी, अब बताइए, अब बताइए। और शिष्टी जी, आपने सेकंड वाले केस को नॉन करंट क्यों बोला? दोनों ही केस में करंट तो समझ में आया क्योंकि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बोलते हैं, पर आपने सेकंड वाले केस के अंदर में नॉन करंट क्यों बोला था वो मुझे नहीं समझ में आया था, ठीक है। सब लोग ध्यान रखेंगे, बट इट विल बी हेल्ड टिल एंड, देन इट इज फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज। देखिए उर्वशी जी, देखिए इट डजेंट मैटर, हाँ मैंने 5 साल का एफडी लिया है, तो 5 साल का एफडी पर इजिली कन्वर्टेबल इनटू कैश है ना, आप वो समझिए, ऑन डिमांड मैं डिमांड करूंगा तो इजिली कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। हम उसे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ही बोलते हैं, मैं यही तो समझा रहा था आपको। मैंने जब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट समझाया तब एफडी का पॉइंट रेज क्यों किया और वहां पे लिखा क्यों आपके सामने कि 5 साल? अरे मेरा इंटेंशन पूरा 5 साल होल्ड करने का होगा, डजेंट मैटर, वो मैटर नहीं करता, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। एफडी कैन बी इजिली कन्वर्टेबल कन्वर्टेड इनटू कैश एनी टाइम, तो वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ही कहलाता है, ठीक है। वहां पे मैं मेरा इंटेंट नहीं देखूंगा, वहां मेरा इंटेंट नहीं देखा जा रहा, इंटेंट लिखा कहां है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। हाँ अब बोलो, अच्छा आपने नहीं बोला था, किसी ने तो भी बोला था तो मैं कंफ्यूज हो गया, सॉरी सृष्टि जी। चलिए पहला वाला नॉन करंट, पहला वाला नॉन करंट कहलाएगा, शाबाश, पहला वाला नॉन करंट कहलाएगा, एकदम सही बोल रहे हैं आप लोग, पहला वाला तो नॉन करंट ही कहलाएगा 31 मार्च 2001 को। दूसरा वाला करंट कहलाएगा, कुछ लोगों ने लिखा है दूसरा वाला करंट कहलाएगा, यस। इससे 12 महीने के अंदर ये पैसे नहीं मिल रहे तो नॉन करंट, ऑब्वियस ही बात है। इससे 12 महीने के अंदर ये पैसे मैच्योर हो जा रहे हैं, मतलब मिल जाएंगे 31 दिसंबर 2005, 12 महीने के अंदर अंदर ये पैसे मिल जाएंगे, इसीलिए करंट, क्या बात है, शाबाश शाबाश। वानी जी नॉट एप्लीकेबल क्यों हुआ, नॉन करंट एंड नॉट एप्लीकेबल, ऐसा क्यों? सर एफडी वाला आंसर बोथ डेट्स पर करंट है, हाँ दीपा जी दोनों डेट्स पे करंट है। डिबेंचर इज ऑल्सो ट्रेडेबल इन मार्केट, नहीं देखिए अब आप लोग पता है क्या, बहुत सारी चीजों को मिक्स कर रहे हैं, एफडी और डिबेंचर्स को हम कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है ना। ये आर्ग्यूमेंट बहुत देर तक के चल सकता है, इस आर्ग्यूमेंट का कोई एंड नहीं है, ठीक है। एफडी और नॉर्मल बैंक के अंदर में आपका सेविंग्स अकाउंट या आपका रिकरिंग अकाउंट, ये सब के सब एक जैसे ही होते हैं। एफडी का पैसा आपको तोड़ना है, आप बैंक को बोल दो मुझे पैसे दे दो, अब आप बोलोगे डिबेंचर ट्रेडेबल है मार्केट में, ठीक है। तो डिबेंचर ट्रेडेबल है मैं आर्ग्यू नहीं करूंगा, आप एकदम सही बोल रहे हैं। कितने पैसे मिलेंगे आपको बताइए? सर मार्केट प्राइस मिलेगा, मार्केट प्राइस डिपेंड करता है इंटरेस्ट रेट पे, इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा तो डिबेंचर का रेट बढ़ जाएगा, प्रीमियम पे बिकेगा, और अगर मार्केट रेट बढ़ जाएगा तो डिबेंचर को डिस्काउंट में बेचना पड़ेगा। मतलब इट इज नॉट कन्वर्टेबल इनटू नोन अमाउंट ऑफ कैश, ट्रेडेबल है पर कितना पैसा मिलेगा नहीं पता ना, तो मैं उसे कैश इक्विवेलेंट नहीं बोलूंगा। अब आप उस केस में आर्ग्यू कर सकते हैं सर इक्विटी शेयर्स को आपने फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्यों बोला, ये सब बातें इंडिया 7 में करेंगे, जब इंडिया 7 डिस्कस करेंगे ना तब कर लेंगे। मुझे आपको इनिशियली सिर्फ एक आइडिया देना था अभी करंट नॉन करंट बाइफर्केशन के लिए, मुझे एफडी समझाना था, इसीलिए मैंने अभी ये सारे के सारे पॉइंट रेज कर दिए। डिबेंचर्स ट्रेडेबल होंगे मार्केट में बट इज नॉट कन्वर्टेबल इनटू नोन अमाउंट ऑफ कैश, तो फिलहाल वो कैश इक्विवेलेंट नहीं है। इसके आगे का डिस्कशन इंडिया 7 में करेंगे ना अपन, ठीक है। यहां तक समझ गए, मैंने बीच में अगर किसी का कोई डाउट मेरी तरफ से छूट गया होगा तो बोलिएगा। तृप्ति जी का कहना है नहीं समझ आया, ओके तृप्ति जी चलिए मैं समझाता हूँ वापस से। बट 31 मार्च को मैच्योर हो गए हैं इसलिए नहीं, वानी जी 31 दिसंबर लिखा मैंने, आप डेट पे ध्यान दीजिए। इशूअर डिबेंचर ट्रेड नहीं करता, इशूअर की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। राजेश जी अपन करंट एसेट्स पे है, मैंने इन्वेस्ट किया है, मैंने इन्वेस्ट किया है, आप लोग लाइबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, ठीक है। एफडी इज अ फॉर्म ऑफ टर्म इन्वेस्टमेंट बट डिबेंचर इज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है बोल सकते हैं। मीन्स डू नॉट एग्जिस्ट ऑन डैट डेट, नहीं वानी जी एग्जिस्ट करता है मैंने बताया, बट इंटेंशन वाइल इशूइंग डिबेंचर इज लॉन्ग टर्म बोरिंग, नहीं अरे
अनंत जी आप भी वही कंफ्यूज कर रहे हैं, ये एसेट साइड से अपन बात कर रहे हैं, अपन लाइबिलिटी साइड से बात नहीं कर रहे हैं, पहले आप लोग ये ध्यान में रखिए। अभी मैं लाइबिलिटी साइड पे नहीं आया हूँ, प्लीज। अच्छा, आप में से एक जन को नहीं समझ में आया। अब आप देखो, ये मेरी पहली रिपोर्टिंग डेट 31 मार्च 2001, डिबेंचर जस्ट 1 जनवरी 2001 को। मैंने कहा था इशू वर्ड यूज किया, इसीलिए शायद आप लोगों को कंफ्यूजन हो गया, मैंने खरीदा है ना बाबा, इशू किया सामने वाले ने तो मैंने खरीदा, 5 साल बाद मैच्योर होगा। इस दिन से 12 महीने के अंदर अंदर इसका पैसा मुझे नहीं मिल रहा है, आप समझ रहे हैं, 31 मार्च 2001 से 12 महीने के अंदर अंदर मुझे 1 रुपया नहीं मिलने वाला है डिबेंचर का। हाँ, इंटरेस्ट मिलेगा, पर इंटरेस्ट तो अक्रूवल बेसिस पे अकाउंट होता है, तो इंटरेस्ट की बात नहीं करेंगे। इस दिन से 12 महीने के अंदर अंदर मुझे पैसा नहीं मिलने वाला है, तो ऑब्वियस सी बात है मैं इसे नॉन करंट बोलूंगा। पर जैसे ही मैं इस दिन आया, मुझे पता है इसकी मैच्योरिटी डेट क्या है, 31/12/2005, यानी इस दिन से 9 महीने के अंदर अंदर यह पैसा मुझे मिल जाएगा, रियलाइज हो जाएगा। विद इन 12 मंथ्स, लाइन क्या बोलता है, 12 मंथ्स फ्रॉम रिपोर्टिंग डेट, मुझे 9 महीने में पैसे मिल रहे हैं, तो मेरे लिए क्या हो गया, ये करंट हो गया ना, मेरे लिए करंट हो गया। अब समझ में आया, ठीक है सर, प्लीज एक्सप्लेन डिबेंचर पॉइंट। ये देखिए उर्वशी जी, अभी मैंने यही बताया आपको, ठीक है, चलो अभी भी किसी का कोई पॉइंट है तो मुझे बता दीजिए, अभी भी कोई पॉइंट है, क्योंकि अब मैं इसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाऊंगा। डिबेंचर का प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट्स में रिपे हो रहा है, इंस्टॉलमेंट में रिपे हो रहा है, मेरा अगला सवाल ये रहेगा, इसीलिए पूरा क्लियर है कि एक बार मुझे बता दीजिएगा। अब देखो क्या हुआ, मैंने एक 5 लाख रुपए का डिबेंचर लिया, कब लिया, 1 दिसंबर 2001 को लिया, ठीक है, 5 साल की लाइफ है, 1 लाख पर एनम रीपेएबल है, समझ गए, 1 लाख पर एनम रीपेएबल है। अब मैं बना रहा हूं नई बैलेंस शीट, 31 मार्च 2001, आप मुझे बताएंगे ये 5 लाख को मैं करंट बोलूंगा या नॉन करंट बोलूंगा, ये 1-1 लाख रुपए कब रीपे होंगे, 31 दिसंबर एवरी ईयर, हर साल के 31 दिसंबर, 31 दिसंबर आएगा 1 लाख रुपए वापस, हर एक एक साल के अंदर 1-1 लाख रुपए वापस होते रहेंगे। 31 मार्च 2002, यहां भी शायद मैंने यही गड़बड़ की क्या, नहीं यहां मैंने यही गड़बड़ नहीं की थी, March 2002 मेरा पहला फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है 1 दिसंबर 2001 के बाद, है ना, तो इस दिन 5 लाख का क्या करें, करंट नॉन करंट जो भी बोलना आप लोगों को, फटाफट आंसर करने की कोशिश कीजिए। 4 लाख नॉन करंट, 1 लाख रुपीज करंट, हर्षित जी ने बोला है सर ओपन लेक्चर है क्या सारे के सारे, नहीं, मार्वल गेमिंग जी पहले 2 लेक्चर ओपन है, उसके बाद नहीं रहेंगे ओपन, ठीक है, सब ओपन रहेंगे तो मैं लोगों से पैसे क्यों मांगूंगा। 31 मार्च 2002 1 लाख 4 लाख, ठीक है, 31 मार्च 2004 का करंट एसेट होगा या नॉन करंट एसेट होगा। ऋषि जी आपका सवाल इससे रिलेटेड है या पिछले वाले से रिलेटेड है, जरा पहले मुझे वो क्लैरिफाई कीजिए। 1 लाख रुपए करंट, 4 लाख नॉन करंट, मैक्सिमम लोगों का यही कहना है 1 लाख रुपए करंट, 4 लाख रुपए नॉन करंट, इंस्टॉलमेंट रिसीवेबल विद इन 4 लाख, ठीक है आप सब लोग समझ गए हैं, यानी किसी का अगर मेरी तरफ से कोई पॉइंट रह गया होगा तो बताइएगा। इस दिन मैं करंट में 1 लाख लिखूंगा और नॉन करंट में 4 लाख लिखूंगा, शाबाश, बहुत ही बढ़िया। द बेसिक नेचर ऑफ डिबेंचर डज नॉट चेंज, जयशंकर जी आपका पॉइंट किस चीज से रिलेटेड चल रहा है, इंस्टॉलमेंट रिसीवेबल, 1 लाख रुपीज करंट, 4 लाख रुपीज नॉन करंट, ओके समझ गए आप लोग। ये बाइफर्केशन सबसे ज्यादा इंस्टीट्यूट पूछता है, सबसे ज्यादा इसके ऊपर सवाल पूछा जाता है, ठीक है। अब बस एक छोटा सा सवाल और पूछ लेता हूं, इसका जवाब आप लोगों को पता होगा, बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं टाइम खराब भी कर रहा हूं एक तरह से आपका। मैंने तो 1 दिसंबर को इश्यू किया था, 31 मार्च तक 4 महीने हो चुके हैं, इंटरेस्ट भी हर एक एक साल में पे होता है, कंपनी हर एक एक साल में इंटरेस्ट पे करती है, 4 महीने हुए हैं, 4 महीने, तो इंटरेस्ट मैंने अक्रूवल बेसिस पे 4 महीने की अकाउंटिंग करूंगा या नहीं करूंगा, इंटरेस्ट 4 महीने का अक्रूवल बेसिस पे अकाउंट करूंगा या नहीं करूंगा, और करंट दिखाऊंगा या नॉन करंट दिखाऊंगा, ये बस एक आखिरी सवाल है, बहुत ही छोटा सा फालतू सा सवाल पूछ रहा हूँ आप लोगों को, तो ये एक जरा मुझे जवाब दे दीजिएगा, फिर अपन आगे बढ़ जाएंगे। इंटरेस्ट हर साल वो जो प्रिंसिपल है उसके साथ साथ ही पे होता है, तो ये 4 महीने के इंटरेस्ट की अकाउंटिंग हो गई या नहीं होगी, यस और नो, और करंट होगी या नॉन करंट होगी, फटाफट मुझे बता दीजिए। हाँ जयशंकर जी, कंसेप्ट क्या है, सिंपल है, रिपोर्टिंग डेट से 12 महीने के अंदर पैसा रियलाइज हो रहा है तो करंट, अब ये दिन से 12 महीने हो रहे हैं 31 मार्च 2003, ये दिन से 12 महीने हो रहे हैं 31 मार्च 2003, 31 दिसंबर 2002 को 1 लाख रुपए पे हो जाएंगे, यानी 12 महीने के अंदर 1 लाख रुपए रियलाइज हो जाएंगे, है ना, करंट, बाकी का 4 लाख नॉन करंट, बस यही कंसेप्ट है और क्या है, ठीक है, होगा और करंट होगा, बढ़िया।
इंटरेस्ट पीएल का पार्ट है। हाँ प्रतिभा जी, इंटरेस्ट पीएल का पार्ट है, पर इंटरेस्ट रिसीवेबल बैंक में बैलेंस शीट में गया ना, इसीलिए पूछ रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, इंटरेस्ट करंट होगा, ये मैक्सिमम लोगों का कहना है। चलो, तो आप लोग समझ गए होंगे यहां तक के, हमने 3 पॉइंट पढ़े, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ऑलवेज करंट, फिनिश गुड्स ऑलवेज करंट, रिपोर्टिंग डेट से 12 महीने के अंदर कुछ भी रियलाइज होगा ऑलवेज करंट, रिपोर्टिंग डेट से 12 महीने के अंदर कुछ भी रियलाइज होगा ऑलवेज करंट, लोन्स एंड एडवांसेस, डिबेंचर्स, इन्वेस्टमेंट्स किसी भी प्रकार के, यानी बॉन्ड्स वॉन्ड्स, ट्रेजरी बॉन्ड्स, कुछ भी बोल दीजिए, एम्प्लॉइज को आपने किसी प्रकार के एडवांसेस दे के रखे हैं 12 महीने के अंदर रियलाइज होने वाले हैं, ये सब के सब अगर विद इन 12 मंथ्स होने वाले हैं तो हम इसको करंट क्लासिफाई करेंगे। यहां तक के हमने ये 3 कंसेप्ट पढ़े, अभी तक के कोई भी डाउट होगा तो मुझे बोल दीजिएगा, मुझे पूछ लीजिएगा। अब हम आ रहे हैं आखिरी पॉइंट पे, जो कि बोलता है एक्सपेक्ट्स टू रियलाइज द एसेट, रियलाइज, इंटेंशन टू सेल, कंज्यूम अंडर नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, यानी ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर या तो ये रियलाइज हो जाएगा, या तो ये कंज्यूम हो जाएगा, या फिर हमारा इंटेंशन है कि हम ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर इसे बेच देंगे में अब फिनिश गुड्स की बात नहीं हो सकती, बेच देंगे में फिनिश गुड्स की बात नहीं हो सकती, फिनिश गुड बी पॉइंट में कवर हो चुका है। किसकी बात हो रही है? पीपीई हो सकता है, नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल हो सकते हैं, यानी कोई भी ऐसी चीज जिसको अपना बेचने का इंटेंशन है कि ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर अपन बेच के मुक्ता हो जाएंगे। ठीक है, तो रियलाइज, कंज्यूम या इंटेंशन टू सेल, 3 चीजें ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर। ठीक है सर, पूरे 4 ईयर का इंटरेस्ट करंट होगा? नहीं तृप्ति जी, जैसे जैसे इंटरेस्ट की अकाउंटिंग हो रही है वैसे वैसे करंट होगा, बात तो सही है, पर पूरे 4 साल का इंटरेस्ट अपन एक साथ अकाउंट ही नहीं कर रहे ना तृप्ति जी, तो पूरे 4 साल की एक साथ बात नहीं हो सकती। हाँ, अब हर्षित जी का कहना है सर अब रॉ मटेरियल करंट हो जाएगा। चलिए, मैं पता है कि एक पॉइंट होता है पर वो मैं रेज नहीं करूंगा, वरना आप लोगों के दिमाग में बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। ऑपरेटिंग साइकिल है 20 महीने का, 1 जनवरी 2001 मैंने रॉ मटेरियल लिया 1 लाख का, जो कंज्यूम हो जाएगा 30 मार्च 2002 को। ठीक है, मेरे डेटर्स है 1 लाख के, जो रियलाइज हो जाएंगे 30 अप्रैल 2002 को। ठीक है, अच्छा एक बात ध्यान रखिए, इन चारों में से किसी भी एक पॉइंट के अंदर अगर करंट क्लासिफाई हो गया तो भैया करंट ही रहेगा, ये ध्यान रखिए। तो मुझे पहले रॉ मटेरियल के बारे में बताइए, व्हाट डू यू थिंक आई शुड क्लासिफाई रॉ मटेरियल एज, करंट और नॉन करंट? करंट और नॉन करंट। 1 लाख रुपए का रॉ मटेरियल मैंने कंज्यूम, मैंने परचेस किया 31 मार्च 2002, मुझे लग रहा है कि ये कंज्यूम हो जाएगा, ऑपरेटिंग साइकिल 20 महीने का है, करंट और नॉन करंट? करंट। ठीक है, अब अगर मैं 1 जनवरी 2001 से 31 दिसंबर तक की बात करूं, 2001 12 महीने, और उसके बाद में 3 महीने की बात करूं तो 15 महीने, 15 महीने अगर मैं देखूं तो ऑपरेटिंग साइकिल ही 20 महीने का, ऑपरेटिंग साइकिल ही 20 महीने का है, तो ऑब्वियस ही बात है ये करंट क्लासिफाई होगा, क्योंकि ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर ही रियलाइज हो रहा है, ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर ही रियलाइज हो रहा है 15 महीने। आप, आई होप आप लोगों ने निकाल के देखा, रॉ मटेरियल कंज्यूमेबल है तो करंट। ठीक है तृप्ति जी, तृप्ति जी मंथ्स काउंट कीजिए, मंथ्स काउंट कीजिए, मैंने ऑपरेटिंग साइकिल आपको दिया 20 महीने का। ठीक है तृप्ति जी, वो एक बार चेक कीजिए आप। ठीक है, ऑपरेटिंग साइकिल 20 महीने है, तो मेरे को क्या देखना है, मैंने जिस दिन खरीदा उस दिन से कितने महीने, उस दिन से कितने महीने, 15 महीने, 15 महीने करंट। ठीक है ओके, अब मैं डेटर्स की बात करूं तो डेटर्स 16 महीने हो रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है वो भी करंट हो जाएंगे, वो भी करंट हो जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें भी, है ना? चलो समझ गए, यहां तक के समझ गए, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करता हूं। पांच सितंबर 2002, अब आंसर कीजिए, डेटर्स को मैंने 5 सितंबर 2002 कर दिया। ठीक है, ये वाला पार्ट अच्छे से समझ लेना, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, ये वाला पार्ट अच्छे से समझ लेना, करंट नॉन करंट बाइफर्केशन का। डेटर्स 5 सितंबर 2002 को रियलाइज होंगे, यानी ये पैसा 5 सितंबर 2002 को मिलेगा, ऑपरेटिंग साइकिल 20 महीने का है। ठीक है, मैं मंथ्स काउंट कर रहा हूं, तब तक कि आप लोग बताइए, स्टॉक 20 मंथ्स होता तो भी करंट होगा? हाँ बस विजय जी, आप जो पॉइंट बोल रहे हैं ना वही पॉइंट मैं आज रेज नहीं कर रहा हूं, तो आपने मुझे बोल दिया कि सर स्टॉक 21 मंथ्स होता तो भी हम लोग उसे करंट दिखाते, मैं आपकी जगह होता तो नॉन करंट दिखा देता, फंस
पर मैं ये पॉइंट आज रेज नहीं करूंगा और मैं इस पॉइंट के ऊपर फिलहाल कोई डिस्कस भी नहीं करूंगा क्योंकि इंस्टीट्यूट उसके ऊपर क्वेश्चन पूछता ही नहीं है। ठीक है, इंस्टीट्यूट उसके ऊपर क्वेश्चन पूछता ही नहीं है। चलिए, तो उसके ऊपर अपन अभी कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। आपको अगर अलग से कुछ समझना है तो मुझे अलग से व्हाट्सअप कर दीजिएगा। रॉ मटेरियल खत्म, डिबेंचर्स की कहानी। जयशंकर जी, आपका क्वेश्चन थोड़ी देर बाद मुझे पूछेगा, आपने जो बोला है ना, थोड़ी देर बाद वापस से रेज कीजिएगा। तो उर्वशी जी ने कहा है नॉन करंट, दीपा जी ने कहा है नॉन करंट, अनंत जी ने कहा है सर स्टिल करंट, प्रतिभा जी ने कहा है नॉन करंट, यस बिकॉज 12 मंथ्स आफ्टर रिपोर्टिंग डेट, नॉन करंट करंट। चलिए ठीक है, हम लोगों के पास मिक्स आंसर्स आ रहे हैं, मैं मंथ्स काउंट कर लेता हूँ। तो अपना 1 जनवरी को बना, 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक के 12 महीने हो गए, फिर जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, अगस्त और अभी सितंबर नहीं लूंगा मैं, तो 12 और 8 20 महीने, 20 महीने 5 दिन, 20 महीने 5 दिन, 20 महीने से तो ज़्यादा है, 20 महीने से तो ज़्यादा है। तो देखा जाए तो 1 जनवरी को तो ये नॉन करंट है, पर 1 जनवरी को तो मैं बैलेंस शीट ही नहीं बना रहा, 1 जनवरी को तो मैं बैलेंस शीट बना ही नहीं रहा, मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा 31 मार्च 2001 को। अब सवाल ये आता है कि भाई ये जो 20 महीने काउंट करना है ये 31 मार्च 2001 से काउंट करना है कि 1 जनवरी 2001 से ही करना है। ये बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट होता है स्टूडेंट्स के बीच में। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर 31 मार्च से आप 20 महीने काउंट कीजिए, आप ऑपरेटिंग साइकिल रिपोर्टिंग डेट से कैलकुलेट होगा, और मैंने मेरे डेटर्स बने, मेरा सेल हुआ 1 जनवरी को, तो 20 महीने 1 जनवरी से काउंट करूं या 31 मार्च से काउंट करूं? ये सवाल बहुत सारे स्टूडेंट्स के बीच में होता है। ठीक है, तो ये 1 जनवरी से ही काउंट होगा, यहां पे वर्ड रिपोर्टिंग डेट यूज नहीं हुआ है। आप ए पढ़िए, ए में रिपोर्टिंग डेट लिखा ही नहीं उन्होंने। रिपोर्टिंग डेट किसमें लिखा? सी में लिखा। सी में रिपोर्टिंग डेट वर्ड यूज हुआ है, रिपोर्टिंग पीरियड वर्ड यूज हुआ है। ठीक है, मैंने सर्कल भी किया, ए में वर्ड नहीं यूज हुआ है, यानी जिस दिन ये डेटर बना मैं हमेशा उस दिन से काउंट करूंगा। तो 1 जनवरी से मेरी ए वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, नहीं हो रही है, सो इट इज नॉन करंट। मैं देखता हूं किसी और पॉइंट को सेटिस्फाई करता है क्या। बी पॉइंट एल्ड फॉर ट्रेडिंग, डेटर्स ट्रेडिंग के लिए नहीं होते। ठीक है, सी पॉइंट, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं टू रियलाइज विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम रिपोर्टिंग डेट। क्या 12 मंथ्स में रियलाइज हो जाएंगे? आप 31 मार्च से 12 महीने कैलकुलेट करके देखिए, 31 मार्च से 12 महीने कैलकुलेट करके देखिए, 12 मंथ्स यानी 31 मार्च 2002, समझ रहे हैं? तब तक भी रियलाइज नहीं हो रहा ये पैसा, तब तक भी रियलाइज नहीं हो रहा, समझ रहे हैं? अभी ये कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हुई, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो है ही नहीं, hence नॉन करंट। चारों में से कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया। अरे चारों में से कोई एक भी सेटिस्फाई कर देता तो मैं करंट कर देता। चारों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ। बोलो आप लोगों के कोई इसके अंदर में आर्ग्यूमेंट्स है या कोई डिबेट है तो। नो, 20 मंथ्स आर काउंटेड फ्रॉम 1 जनवरी। बहुत बढ़िया आनंद जी, सृष्टि जी आप क्लियर हो गया होगा, वानी जी क्लियर हो गया होगा। डेटर्स कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं, विनय जी क्या कर रहे हैं? विनय जी नहीं ना, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं होते डेटर्स। ऐसा डेटर के पास आप कभी भी जाके बोलो दे मेरे को पैसे वापस, वो वापस नहीं देता है। आपने उसको क्रेडिट पीरियड दिया है, वो उसके एंड में ही पैसा देगा आपको, वो एंड में ही पैसे देगा, उसको आप नहीं बोल सकते ऐसे। ठीक है, करंट नहीं होगा सर, क्योंकि डेटर्स अगर पहले पैसे दे दे तो मना थोड़ी करेंगे। हाँ, अब हर्षित जी ने बोला सर डेटर पैसा पहले पैसा दे देगा तो मना थोड़ी करेंगे, हम तो ले लेंगे, है ना? पर आप एक बात समझिए, वो तो उसका इंटेंशन, उसकी इच्छा, अपने हाथ में नहीं है ना, अपने कंट्रोल में क्या है, अपना कंट्रोल है कि 20 महीने में पैसे मिल जाना चाहिए, यानी 20 महीने बाद आपका कंट्रोल आया, तब तक आपका कंट्रोल नहीं है, आप पहले पैसे नहीं मांग सकते। तो आपका जो आर्ग्यूमेंट है वो डेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करेगा, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से काम नहीं करेगा, अपन अपने पॉइंट से कर रहे हैं। बट सर हाउ ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड इज बी स्ट्रिक्टली कंसिडर्ड? अनंत जी, स्ट्रिक्टली कंसिडर्ड मतलब मुझे एग्जैक्ट आपका क्वेश्चन नहीं समझा, बट ऑपरेटिंग साइकिल हर बिजनेस का अपना एक ऑपरेटिंग साइकिल होता है, वो जनरल टर्म्स में पता चल जाता है, मतलब कोई भी बिजनेस का ऑपरेटिंग साइकिल पता करना बहुत बड़ी बात नहीं है। ऑपरेटिंग साइकिल में क्रेडिटर्स पीरियड हम कंसिडर नहीं करते, एज पर शेड्यूल 3 क्रेडिटर्स पीरियड माइनस नहीं होता, जो आप नॉर्मली एफएम में करते हैं, यहाँ पे हम क्रेडिटर्स का पीरियड माइनस नहीं करते, ये बात सब लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल अगर आप ऐसे पीरियड देखेंगे तो ओवरऑल 20 महीने का जो पीरियड है वो स्ट्रिक्टली कंसिडर करने के लिए, मतलब आप बोलोगे एग्जैक्ट, मतलब जैसे 5 दिन ऊपर नीचे नहीं हो सकता है, हो सकता है ना, पर एग्जाम में नहीं हो सकता। देखो अभी आप लोग क्या हो, अभी आप लोग स्विमिंग पूल के अंदर हो, आप ओशन में नहीं हो, तो आप मेरे को बोलोगे सर ऐसा कैसे, मतलब 5 दिन के फर्क से कैसे, ऐसा कैसे कोई बता सकता है? एग्जाम में बता सकता है ना, एग्जाम में आपको एग्जैक्ट बता रहेगा 20 महीने मतलब 20 महीने ही होता है, 20 महीने में प्लस माइनस 5 डेज नहीं होता है। तो अपन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कर रहे हैं ना, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपकी जगह होता मैं इसको करंट बोल दिया होता, मैं बोला कौन इतना दिमाग लगाएगा 20 महीने मतलब एग्जैक्ट 20 महीने तुम कैसे बोल सकते हो,
तो जाने दो ना, प्रैक्टिकल पॉइंट की अभी बात मत करो, एग्जाम पॉइंट की बात करो अभी। हाँ और कुछ बातें, करंट नहीं होगा सर क्योंकि डेटर पहले से, नहीं ये बात अपनी हो चुकी थी। व्हाट इफ बिल रिसीवेबल्स आर देयर, सेम स्टोरी, बिल रिसीवेबल भी रियलाइजेबल होते हैं उर्वशी जी, सेम कहानी, बिल रिसीवेबल्स और ये दोनों की दोनों कहानी सेम चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अभी एक सवाल पूछूंगा डिस्काउंटिंग वाला, फैक्टरिंग वाला, रुक जाइए उसके लिए थोड़ा सा। पैसा दे देगा डेटर ही खत्म हो जाएगा ठीक है, 20 months and 20 months 5 days, नहीं अनंत जी छोड़ दो उसको। चलो यहां तक के सब लोगों को क्लियर, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए है ना, अभी एकदम क्लियर होगा कंसेप्ट पूरे तरीके से। मुझे बताओ इस दिन डेटर का क्या होगा, इस दिन डेटर का क्या होगा, 31 मार्च 2002 क्या करोगे डेटर का, बोलो इस दिन डेटर का क्या होगा, बट इफ यू डिस्काउंट द बिल। हाँ उर्वशी जी बस पूछने तो दो, थोड़ा थोड़ा मौका तो दो मुझे भी, पूछूंगा मैं वो भी पूछूंगा, फैक्टरिंग के ऊपर आऊंगा मैं। अरे शाबाश, अब रिक्लासिफाई होगा टू करंट, क्या बात है क्या बात है क्या बात है, अब लग रहा है कि सब लोगों को समझ में आया, क्या बात, करंट के आंसर्स आ रहे हैं एकदम, बारिश हो गई अपने पास करंट की। यस अब करंट होगा, अब करंट होगा ठीक है। तो ऑपरेटिंग साइकिल कब से देखते हैं, जिस दिन डेटर बना, जिस दिन रॉ मटेरियल खरीदा, जिस दिन इंटेंट टू सेल हो गया, जिस दिन इंटेंट टू सेल हो गया उस दिन से अपन चेक करते हैं ऑपरेटिंग साइकिल का पीरियड ठीक है। 12 महीने का पीरियड कब से देखते हैं, फ्रॉम रिपोर्टिंग डेट, और वहां वर्ड सिर्फ रियलाइज यूज हुआ है, मतलब वो सिर्फ डेटर्स के लिए, लोन्स एंड एडवांसेस वगैरह के लिए होता है ठीक है। फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आर ऑलवेज करंट, एफडी को हम लोग करंट मानेंगे अनलेस एफडी इज अगेंस्ट बैंक गारंटी, एग्जाम में क्वेश्चन एफडी का नहीं आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन एफडी अगेंस्ट बैंक गारंटी का आएगा। तो ध्यान रखिएगा बैंक गारंटी कितने महीने की है, अगर बैंक गारंटी ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर ऑपरेटिंग, यानी जिस दिन बैंक गारंटी लिया उस दिन से ऑपरेटिंग साइकिल, एक क्वेश्चन बना लेते हैं यार, बैंक गारंटी का क्वेश्चन बना लेते हैं क्योंकि इंस्टीट्यूट उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है आपके। अरे यार देखो, 1 जनवरी 2001 मैंने बीजी लिया, बीजी नॉट 24 मंथ्स का है या 22 मंथ्स का है, 22 मंथ्स का बीजी है, ऑपरेटिंग साइकिल 20 मंथ्स का है, समझ गए, ऑपरेटिंग साइकिल 20 मंथ्स का है, इसके अगेंस्ट हमने एफडी कर ली 24 मंथ्स की, 2 साल की एफडी कर ली, मतलब 24 मंथ्स यानी 2 साल की एफडी कर ली हमने इसके अगेंस्ट में ठीक है। 31 मार्च 2001 बताइए एफडी करंट है या नॉन करंट है, 31 मार्च 2001 बताइए एफडी करंट है या नॉन करंट है, बताइए फटाफट। क्लास कितने बजे तक होगी छाया जी, 9:30 तक, 9:30 तक की क्लास रहेगी। सर यहां रीजन 12 मंथ वाला आएगा, बस ये हम ध्यान रखेंगे ना। हाँ हर्षित जी 12 मंथ वाले में तो 12 मंथ देखेंगे, बाकी ऑपरेटिंग साइकिल का भी ऑप्शन है ना, ऑपरेटिंग साइकिल का भी है, नॉन करंट, क्या बात है, कई सारे लोगों ने नॉन करंट बोला है, विजय जी ने करंट बोला है ठीक है, और नॉन करंट, नॉन करंट मैक्सिमम लोग नॉन करंट बोल रहे हैं ठीक है। अब ऑपरेटिंग साइकिल कब से देखना है, 1 जनवरी से, 1 जनवरी से 20 महीने के अंदर एफडी रियलाइज नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना, बीजी के अगेंस्ट ब्लॉक डे, वो बीजी के अगेंस्ट ब्लॉक डे, मैं ऑन डिमांड भी रेज नहीं कर सकता, तो 1 जनवरी यानी वो जो पहली कंडीशन है ए सेटिस्फाई नहीं हो रहा, ए की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है नहीं, डी सेटिस्फाई नहीं हुआ, हेड फॉर ट्रेडिंग नहीं है, बी सेटिस्फाई नहीं हुआ, सी रिपोर्टिंग डेट से 12 महीने ये भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा, रिपोर्टिंग डेट से 12 महीने भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा, हेंस नॉन करंट ठीक है। समझ में आया आपको, कि जिन लोगों ने करंट बोला था समझ में आया, इट मींस व्हेन इट कम्स टू रियलाइजेशन ऑफ मनी वी कंसिडर 12 मंथ्स पीरियड, बट फॉर इनिशियल रिकॉग्निशन वी कंसिडर ऑपरेटिंग साइकिल। हाँ देखिए जयशंकर जी, मैं सिंपल कहानी बोलता हूं, ऑपरेटिंग साइकिल और 12 मंथ्स विच एवर इज हायर देखिए, पर ऑपरेटिंग साइकिल का हमेशा जिस दिन आया उस दिन से देखिए, जिस दिन बना, जिस दिन रेज हुआ यानी डेटर जिस दिन बना, रॉ मटेरियल जिस दिन खरीदा उस दिन से देखिए, और वहीं पे अगर 12 महीने है वो हमेशा रिपोर्टिंग डेट से देखा जाएगा। तो 31 मार्च 2001 हम इसको नॉन करंट ही क्लासिफाई करेंगे। व्हाट अबाउट 31 मार्च 2002, अब मैं रेड पेन से लिखते चलता हूं, यहां तक 3 महीने हो गए थे तो बीजी के 19 महीने बचे थे,
यहां 7 महीने बीजी के बचे हैं, और एफडी तो 24 महीने का था, एफडी तो 24 महीने का था, तो एफडी के 9 महीने बचे हैं, एफडी के 9 महीने बचे हैं, बीजी के 7 महीने बचे हैं। फटाफट बताइए क्या होगा, यहां नॉन करंट होगा, ठीक है। मैं एफडी की बात कर रहा हूं, यहां बीजी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एफडी की बात कर रहा हूं। एफडी इज नॉन करंट, 31 मार्च 2001 एफडी इज नॉन करंट। 31 मार्च 2002 क्या होगा, फटाफट बताइए। 31 मार्च 2002 को क्या करेंगे, फटाफट बताइए। करंट, क्या बात है, क्या बात है, करंट। अरुणा जी नॉन करंट नहीं ना, अब तो वो 12 महीने वाला देख रहे हैं ना कंडीशन, आपको ये समझना जरूरी है कब कौन सा कंडीशन देख रहा हूं। ए में नहीं बैठ रहा है, बात सही है, पर सी में तो बैठ रहा है ना, सी में बैठ रहा है। मेरा एफडी मुझे 7 महीने 9 महीने में पैसे दे देगा, 9 महीने में पैसे दे देगा, 12 मंथ्स फ्रॉम रिपोर्टिंग डेट करंट, है ना। एग्जाम में देखो अभी थोड़ी कहानी इजी से चल रही है, क्यों इजी चल रही है, क्योंकि मैं मंथ्स लिख के दे रहा हूं आपको एग्जाम में, ये मंथ्स का कैलकुलेशन आप लोगों को करना है एग्जाम में, ध्यान रखना है। ये 22 मंथ्स वगैरह दिया हुआ है, इस दौरान ये कितने महीने रहेंगे, ये सब कैलकुलेशन आप लोगों को करना है, तो ये एग्जाम में ध्यान रखिएगा, ये मेहनत आप लोगों को करनी है, ठीक है। तो हाँ ये करंट क्लासिफाई होगा, बहुत आसान है ये बोलना करंट क्लासिफाई होगा, पर एग्जाम में अगर मंथ कैलकुलेशन गलत हो गया ना तो आप उसको नॉन करंट लिख के आ जाओगे, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज, मैं हमेशा आपको बोलूंगा कि सिर्फ एग्जाम में लिख के आ जाना उस दिन करंट क्लासिफाई होगा, ये मत लिख के आना क्योंकि इतने महीने रिमेनिंग है इसीलिए करंट क्लासिफाई हो जाएगा, वो महीने में अगर एक महीना भी ऊपर नीचे होगा आपके मार्क्स कट जाएंगे, तो वो मत करना, सिर्फ करंट लिख के आ जाना। एग्जाम में क्या करना है, पहले 4 कंडीशंस लिखनी है, फिर लिखना है कि ये वाला हमारा केस कौन सी कंडीशन पे बैठ रहा है, इसीलिए करंट। मंथ्स मत लिख के आओ, क्योंकि मंथ्स के कैलकुलेशन में आपने एक महीना भी ऊपर नीचे कर दिया आपके मार्क्स चले जाएंगे, तो मैं आप लोगों को एक सेफ साइड पे रहने की टिप दे रहा हूं और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए अभी जी ने बोला है, व्हाट इफ नॉट गोना रियलाइज विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम रिपोर्टिंग डेट बट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड इज स्टिल 20 मंथ्स पेंडिंग। वही तो अभी जी यहां पे समझाया, आप जो बात बोल रहे हैं वो यहां पे क्लियर किया ना मैंने, नॉन करंट ही रहेगा, क्यों, क्योंकि इस दिन मैं 20 मंथ्स के, देखो 20 मंथ के अंदर आ गया था 31 मार्च को, 31 मार्च को आप देखेंगे तो 20 मंथ्स के अंदर आ गया था, बट स्टिल मैंने आपको बोला आप उसे नॉन करंट ही बोलोगे, क्योंकि मैं उस दिन से कंडीशन नहीं देख रहा हूं 20 मंथ्स की। ऑपरेटिंग साइकिल की कंडीशन हमेशा इस दिन से देखी जाएगी, रिपोर्टिंग डेट से हमेशा 12 मंथ वाली कंडीशन देखी जाती है, रिपोर्टिंग डेट से हमेशा 12 मंथ वाली कंडीशन देखी जाती है, ठीक है। अभी जी मैं यही चीज तो यहां पर समझाया आपको, अगर आप डेटर्स को 31 मार्च से देखेंगे तो 20 महीने के अंदर आ गया है, वो 20 महीने के अंदर आ गया, पर फिर भी मैंने आपको नॉन करंट बोला, ऑपरेटिंग साइकिल में वो वाली कंडीशन नहीं देखते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन विल चेंज, हाँ जयशंकर जी क्लासिफिकेशन चेंज होगा, इंडेस 1 को इतना इंपॉर्टेंट नजर से देखा ही नहीं था कभी। हर्षित जी ये मैं क्यों इतना डिटेल में कर रहा हूं, क्योंकि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का क्वेश्चन आता है एग्जाम में एसीएम का, वो बोलेगा बताओ बैलेंस शीट में करंट दिखेगा नॉन करंट आता है, लीजेस के अंदर आता है करंट नॉन करंट बाइफर्केशन, ये 4 पॉइंट अगर आप डिटेल में पढ़ोगे ही नहीं तो आपको करंट नॉन करंट बाइफर्केशन बताओगे कैसे, इसीलिए तो इतना डिटेल डिस्कशन कर रहा है, नहीं तो जरूरत ही नहीं थी मुझे कोई डिटेल डिस्कशन करने की, ठीक है। इनके अलावा बाकी सारे के सारे नॉन करंट होते हैं। जयशंकर जी आपने कोई तो क्वेश्चन पूछा था, एक बार वापस पूछ लीजिएगा, मैंने पढ़ा नहीं था उस समय। इंस्टीट्यूट के हिसाब से खेलने का सर, इट मींस वी शुड चेक बोथ द क्राइटेरिया इफ ऑपरेटिंग साइकिल गिवन। यस उर्वशी जी दोनों कंडीशंस देखनी है आपको, हमें हर आरडी में और हर रिपोर्टिंग डेट में कंडीशन चेक करनी है, हर रिपोर्टिंग डेट पे 12 मंथ कंडीशन चेक करनी है, ऑपरेटिंग साइकिल वाली कंडीशन हर रिपोर्टिंग डेट पे चेक नहीं होगी, ऑपरेटिंग साइकिल वाली कंडीशन जिस दिन डेटर बना जिस दिन रॉ मटेरियल लिया सिर्फ उस दिन चेक करना है, ठीक है। तो 4 रूल दिमाग के अंदर याद रखो, फिनिश गुड्स हमेशा करंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमेशा करंट, एफडी बैंक गारंटी के अगेंस्ट है तो करंट नहीं होगा अगर 12 मंथ के अंदर है तो, सॉरी उल्टा बोल दिया, 12 मंथ के ऊपर है तो, 12 मंथ के ऊपर है तो, एफडी अगर बैंक गारंटी के अगेंस्ट है 12 मंथ के ऊपर, अभी 12 मंथ याद रखो, ऑपरेटिंग साइकिल का को साथ में मिक्स मत करना क्योंकि याद नहीं कर सकते ऐसे, ठीक है। 12 मंथ के ऊपर का बीजी है करंट नहीं है, नॉन करंट है एफडी, 12 मंथ के अंदर का बीजी है करंट है, 12 मंथ के अंदर का बीजी करंट, 12 मंथ के ऊपर का बीजी नॉन करंट, ऐसे नॉर्मल एफडीज 5 साल का भी है तो करंट, पर वो सवाल आपको कोई पूछेगा नहीं तो उसके ऊपर दिमाग मत लगाओ, ठीक है। रिपोर्टिंग डेट से 12 महीने करंट, ऑपरेटिंग साइकिल से ऑपरेटिंग यानी जिस दिन हमने वो डेटर वगैरह बने उस दिन से ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर करंट, ऑपरेटिंग साइकिल के बाहर नॉन करंट, ठीक है। चारों में से कोई और कंडीशन है कोई भी एक सेटिस्फाई हो जाए करंट। जयशंकर जी हाउ शैल शिपिंग इंडस्ट्री नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल भी क्लासिफाइड इफ इट टेक्स मच टाइम टू बिल्ड द फिनिश प्रोडक्ट। अरे तो ऑपरेटिंग साइकिल ही बढ़ गया ना जयशंकर जी, डैम्स डैम बनाने को 5-6 साल लग जाते हैं, ऑपरेटिंग साइकिल 5-6 साल है,
समझ रहे हैं आप, शिपिंग इंडस्ट्री सेम, शिप बनाने को बहुत साल लग जाते हैं, ऑपरेटिंग साइकिल बढ़ गया आपका, तो डोंट वरी सब कुछ करंट वहां पे। समराइज किया ना अभी रियाज जी, आज पेमेंट कर सकते हैं, अरे कभी भी पेमेंट कर सकते हैं आकाश जी, मैं 24/7 कभी भी पेमेंट एक्सेप्ट करता हूँ। चल बीओडी, बीओडी बीओडी नहीं समझा मुझे शुभम जी, रिपोर्टिंग डेट पर ऑपरेटिंग साइकिल एंड आफ्टर दैट 12 मंथ्स। विजय जी रिपोर्टिंग डेट से ऑपरेटिंग साइकिल नहीं देखना, रिपोर्टिंग डेट से ऑपरेटिंग साइकिल के मंथ्स कभी कैलकुलेट नहीं करना, ठीक है, बस ये ध्यान रखिएगा। बाकी मुझे लगता है आप समझ गए हैं, आपने सिर्फ वो शॉर्ट में लिखा इसीलिए, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड नॉट गिवन देन वी कैन अज्यूम 12 मंथ्स। हाँ अमित जी मैंने बोला था अगर ऑपरेटिंग साइकिल नहीं दिया तो हम उसे 12 मंथ अज्यूम कर लेंगे, ठीक है, ऑपरेटिंग साइकिल नहीं दिया तो हम उसे जनरली 12 मंथ अज्यूम कर लेते हैं। चलो कोई भी डाउट है तो बोल देना, यहाँ बहुत सारे सवाल है, अब ये बच्चों वाले सवाल है, मैंने आपसे बड़ों वाले सवाल पूछ लिए पूरे के पूरे, बच्चों वाले सवाल तो आप लोग फटाफट आंसर कर दोगे। मैं आ रहा हूं करंट लायबिलिटी पे। पहला सेम एक्सपेक्टेड टू सेटल विद इन नॉर्मल साइकिल, दूसरा वाला सेम प्राइमरीली हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, होल्ड्स द लायबिलिटी प्राइमरीली फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग। ऐसी कौन सी लायबिलिटी होती है जो प्राइमरीली ट्रेडिंग पर्पस के लिए होती है, जरा आंसर करने का कोशिश कीजिएगा। ट्रेडिंग के लिए तो फिनिश गुड्स होता है, ये बी में किसकी बात कर रहा है, समझ में नहीं आया, खुद तो भी बोल रहा है ये, तो बी पॉइंट के बारे में आप लोग जवाब दीजिएगा मुझे। लायबिलिटी इज ड्यू टू बी सेटल्ड विद इन 12 मंथ्स, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स। तो यहाँ तीन कंडीशन सेम है, यहाँ तीन कंडीशन में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है हम लोगों को, तो हमने अगर इशू भी किया डिबेंचर्स तो भी कहानी सेम ही चलेगी, इशू किया डिबेंचर्स तो भी कहानी सेम चलेगी, जो हम लोगों ने एसेट के लिए यहाँ पढ़ा था, तो मुझे अलग से आप लोगों को इसका एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है डिबेंचर्स का, डिबेंचर का एग्जाम्पल वन, डिबेंचर का एग्जाम्पल टू सेम, इशू के लिए भी सेम कहानी हो रही है, इन्वेस्ट के लिए भी सेम कहानी हो रही है ना। तो ये बी में किसकी बात कर रहा है जरा बताइएगा, डेरिवेटिव्स क्या बात है, आप लोग एकदम जबरदस्त लेवल के ऊपर चल रहे हो, हाँ यहाँ पे डेरिवेटिव्स हो सकते हैं, और उसके अलावा और किसकी बात हो रही होगी जरा बताइएगा। बैंक ओडी क्या बात है शुभम जी, गजब गजब, यस यहां बैंक ओडी की बात हो रही है, यहां बैंक ओडी की बात हो रही है, ठीक है बहुत बढ़िया, क्योंकि देखो आप यहां कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिखा नहीं गया, वैसे कैश इक्विवेलेंट होता है एक प्रकार से बैंक ओडी, पर वहां एसेट साइड के लिए लिखा गया था ना, यहां लाइबिलिटी साइड की बात हो रही है। बी पॉइंट बेसिकली बैंक ओडी की बात कर रहा है, बैंक ओडी इज ऑलवेज क्लासिफाइड एज करंट, ठीक है। मुझे पहले तीन पॉइंट्स आपके साथ इतने डिटेल में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, मुझे मेन पॉइंट डी आपके साथ बहुत डिटेल में डिस्कस करने की इच्छा है, वो पॉइंट है जिसके ऊपर इंस्टीट्यूट आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। इट डज नॉट हैव एन अनकंडीशनल राइट, आपके पास किसी प्रकार का कोई अनकंडीशनल राइट नहीं है, आपके पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि आप डेफर कर दो सेटलमेंट को फॉर एटलीस्ट 12 मंथ्स आफ्टर रिपोर्टिंग डेट, यानी रिपोर्टिंग डेट के आगे 12 महीने में खिसका दूं पेमेंट को, ऐसे मेरे पास कोई अधिकार नहीं है, मैं ऐसा कोई अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर सकता कि मैं पेमेंट को 12 महीने के आगे सरका दूं, रिपोर्टिंग डेट से 12 महीने के आगे सरका दूं, ऐसे किसी प्रकार के कोई अधिकार नहीं है। ये लाइन अच्छे से समझ लो, मैं एग्जाम्पल देने वाला हूं आप लोगों को, ठीक है। हाँ बैंक ओडी विल ऑलवेज बी क्लासिफाइड एज करंट, हेलो पिंकी जी। चलो यहां पर ध्यान दो, अब एक बहुत बढ़िया पॉइंट मैं आप लोगों को बताता हूं। 1 जनवरी 2001 मैंने आपसे लोन लिया, लोन लिया मैंने आपसे 5 करोड़ रुपए का, ठीक है। मैंने आपको बोला 30 मार्च 2002 मैं ये पैसे आपको लौटा दूंगा, पक्का 100% लौटा दूंगा मैं आपको ये पैसे, ठीक है। ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने का है, ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने का है, मेरी बुक्स में मैंने आपसे 5 करोड़ रुपए का लोन ले चुका हूं, ठीक है। 31 मार्च 2001 की आप बैलेंस शीट, आप नहीं, मैं बैलेंस शीट बना रहा हूं, करंट नॉन करंट फटाफट बताइए, करंट नॉन करंट फटाफट आंसर कीजिए, करंट नॉन करंट। दो क्लासेस के बाद यूट्यूब पे नहीं आएंगे ना, यूट्यूब पे प्राइवेट वीडियोस रहेंगे, पब्लिक वीडियोस नहीं रहेंगे, प्राइवेट वीडियोस रहेंगे वो, ठीक है। लीज कैंसिलेशन विथ हैवी पेनल्टी इज कंसिडर्ड इन डी पॉइंट, बाद में देखते हैं रोशी जी, आप जो बोल रहे हो लीज के समय ये पॉइंट रेस कीजिएगा, मैं 100% बताऊंगा आपको, पहले लीज पढ़ लेने दीजिए, अभी समझाऊंगा, अभी बहुत सारे बच्चों को नहीं समझेगा, ठीक है। ब्रीच ऑफ लोन कॉन्ट्रैक्ट नहीं, ब्रीच कंडीशनल होता है उसकी बात नहीं हो रही यहां पे। सर मैं से हो क्वेश्चन आते हैं और बार, विजय जी मुझे नहीं समझा आपने क्या बोला, तो हमें कैसे मिलेंगे क्लासेस, मैं बताऊंगा आपको, आप टेंशन क्यों लेते हैं, क्लासेस कैसे लेंगे सब आज मैं क्लास के बाद बताऊंगा, आज की क्लास तो खत्म होने दो,
सभी लोगों का कहना है करंट, क्या बात है क्या बात है, यस ये है हमारा ऑपरेटिंग डेट इस दिन से 12 रिपोर्टिंग पीरियड, रिपोर्टिंग पीरियड से 12 महीने, 12 महीने के अंदर पैसे मिल रहे हैं करंट, 12 महीने के अंदर पैसे मिल रहे हैं। मधुरा जी ये क्लास हिंदी में है, इंग्लिश थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होगा, प्लीज ये क्लास बाद में अवेलेबल रहेगा, आज की और कल की तो रहेगी काजल जी, आज की और कल की क्लास रहेगी अवेलेबल, ठीक है। चलो पेनल्टी फॉर अर्ली सेटलमेंट, पेनल्टी वगैरह की बात नहीं हो रही है अभी, समझ लीजिए मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ लीजिए। देखिए पिंकी जी ये सब बातें मैं क्लास के एंड में डिस्कस करने वाला हूँ, अभी जाने दीजिए, वो मैं बताऊंगा आप लोगों को आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं क्या कर सकते हैं। चलो अब समझिए 31 मार्च 2001 मैंने आपको बोला कि यार मैंने एक अधिकार रख लिया आपसे कि बाय चांस मैं ये पैसे आपको 30 मार्च को नहीं दे पाया, 30 मार्च 2002 को नहीं दे पाया, तो मैं आपको ये पैसे 30 मार्च 2003 को दे दूंगा, मैं ये अधिकार रख रहा हूं मेरे पास विदाउट एनी इंटरेस्ट विदाउट एनी पेनल्टी। आप बोलोगे ऐसे कैसे, अरे इतना तो हम एक दूसरे को जानते हैं ना, इतना तो आप मेरे लिए कर ही सकते हो। 30 मार्च 2002 आपने मुझे अधिकार दे दिया कि अगर मैं इस दिन ये पैसे नहीं दिया तो कोई बात नहीं सुमित सर आपके लिए चलता है, 30 मार्च 2003 को आप मुझे पैसे दे देना। आपने मुझे ये अधिकार दे दिया कि मैं डिफर कर सकता हूं पेमेंट को विदाउट एनी इंटरेस्ट, अनकंडीशनल राइट है मेरे पास, अनकंडीशनल राइट, नहीं मैं लौटा दूंगा पैसे 30 मार्च 2002 को, कोई उसमें ये नहीं है, मैं तो लौटाऊंगा, मेरा इंटेंशन तो है कि मैं लौटाऊंगा आपको, मेरा बिल्कुल इंटेंशन है, मेरा इंटेंशन डिफर करने का है नहीं, पर ये अधिकार मैं अपने पास लेके बैठा हूं, ये अधिकार है मेरे पास कि मैं डिफर कर दूंगा पेमेंट अनकंडीशनली 30 मार्च 2003 को। अब बताइए करंट या नॉन करंट क्या लगता है आपको, आपको क्या लगता है, मैं तो समझाऊंगा आपको क्या लगता है, आप ये बताओ करंट या नॉन करंट बताइए बताइए, 2001 में नॉन करंट बट 2002 में करंट। आप में से कई लोग नॉन करंट बोल चुके हैं, अब मेरे पास डेफर करने का अधिकार है अनकंडीशनली बियॉन्ड 12 मंथ्स फ्रॉम रिपोर्टिंग डेट, 31 मार्च 2001 से 12 महीने के बियॉन्ड डेफर करने का अधिकार मेरे पास अनकंडीशनल आ चुका है। अरे अगर ये डेट को मैं 30 अप्रैल 2002 भी कर देता ना तो भी बियॉन्ड 12 मंथ्स जा चुका था ये कहानी, बियॉन्ड 12 मंथ्स जा चुका था ये कहानी फ्रॉम रिपोर्टिंग डेट, तो ऐसे केस में हम इसको नॉन करंट क्लासिफाई कर देंगे क्योंकि अनकंडीशनल राइट है और राइट मेरे पास है, समझ रहे हैं, सुमित सारडा के पास राइट है, क्लियर है इस क्वेश्चन में, राइट किसके पास था, सुमित सारडा के पास, तो इसीलिए अब इसे नॉन करंट बोल देंगे, ठीक है। डेफर करने का राइट क्या है, अनकंडीशनल, ये एग्जाम्पल याद रखिएगा, ये एग्जाम्पल वहां पे बना देना, मैं इसमें तीन केसेस लिखाने वाला हूं, तो पहले तीन केसेस समझ लीजिए फिर अपनी लैंग्वेज में वहां लिख देना, ठीक है। पहला केस क्या है, सुमित सारडा के पास डेफर करने का अधिकार है अनकंडीशनल 30 अप्रैल 2002, तो 31 मार्च 2001 को ये नॉन करंट हो जाएगा, 31 मार्च 2001 को ये नॉन करंट हो जाएगा, समझ गए सर, हाउ कैन वी डिसाइड वेदर इट इज कंडीशनल और नॉट, उर्वशी जी टर्म्स मैंने बताया ना आपको, सुमित सारडा के पास राइट है टू डेफर द पेमेंट बियॉन्ड 12 मंथ्स विदाउट एनी कंडीशन, एग्रीमेंट में दिया होगा ना, एग्रीमेंट में लिखा होगा कि भाई इंटरेस्ट चार्ज करेंगे नहीं करेंगे, इच्छा किसकी, किसकी इच्छा अनुसार हो सकता है, म्यूचुअल कंसेंट वर्ड है क्या, म्यूचुअल कंसेंट मतलब दोनों की इच्छा, तब नहीं होगा ये, तब डेफर अनकंडीशनल नहीं है, म्यूचुअल नहीं बोला मैंने, तो मैं आगे एक 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 वर्ड लिखाते जाऊंगा आपको, अभी किसकी इच्छा पे है, सुमित सारडा के पास ऑप्शन है वो डेफर कर सकता है, आप समझ रहे हैं, सुमित सारडा के पास ऑप्शन है वो डेफर कर सकता है नॉन करंट बियॉन्ड 12 मंथ्स फ्रॉम रिपोर्टिंग डेट, वर्ड समझ में आया आपको, मैं वो पूरी की पूरी लैंग्वेज समझा रहा हूं आपको। पहला केस मैंने आपको क्या लिखाया, डेफर अनकंडीशनल 30 अप्रैल 2002 नॉन करंट, दूसरा डेफर अनकंडीशनल 30 अप्रैल 2002 पर ये आप कर सकते हो, यहां पे मैंने किसको बोला, सुमित सारडा कर सकता है, पर यहां मैंने अधिकार आपको दे दिए, आपकी इच्छा हुई तो आप डेफर कर देना, मेरे पास राइट नहीं है, मेरे पास राइट नहीं है, आपकी इच्छा हुई तो आप डेफर कर सकते हैं, मतलब मैं 30 मार्च को आपको जाके रिक्वेस्ट करूं प्लीज थोड़ा कर दो ना यार एक्सटेंड, तो आपने बोला हाँ चलो ठीक है, आप अधिकार रख के बैठे हो डेफर करने के, आपके पास तो हमेशा ही राइट रहेंगे डेफर करने के, है ना, क्योंकि आप डेटर हो, मतलब आपको पैसे लेना है तो आप, आपके लिए एसेट है मेरे लिए लाइबिलिटी है, तो आप तो हमेशा इस अधिकार में रहोगे कि आप चाहो तो डेफर कर सकते हो। अब मेरे लिए, मेरे पॉइंट से बात हो रही है, आपके पॉइंट से बात ही नहीं हो रही, मेरे पॉइंट से बात हो रही है, करंट या नॉन करंट, करंट या नॉन करंट, दीपा जी ने कहा करंट,
करंट, क्या बात है, करंट की लाइन लगी है। तो हमारी मासूमियत का फायदा उठा के डेफर हाँ तो हर्षित जी अधिकार भी आपने दिया मुझे, एग्रीमेंट के अंदर अधिकार आपने दिया मुझे, करंट, ऐसे में करंट हो जाएगा। ठीक है, डेफर करने का राइट है 30 अप्रैल 2002, म्यूचुअल कंसेंट यानी दोनों की सहमति पे, दोनों की सहमति पे म्यूचुअल कंसेंट, म्यूचुअल कंसेंट इज सेम एज सेकंड पॉइंट, इसमें मैं आप लोगों का टाइम खराब नहीं करूंगा। करंट चौथा, आप डेफर कर सकते हैं, मतलब मैं डेफर कर सकता हूं, डेफर बाय सुमित सारडा विथ इंटरेस्ट। आपने बोला सर डेफर कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, डेफर कीजिए, पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा सर, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, डेफर करने पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब आपको क्या लगता है, करंट या नॉन करंट? आप डेफर कर सकते हैं सर पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा सर, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन आते रहे। करंट बिकॉज राइट, नॉन करंट, अब नॉन करंट होगा, यह बात समझना बहुत जरूरी है आप सब लोगों के लिए। अब नॉन करंट होगा सर, क्यों अब नॉन करंट क्यों होगा? बैंक भी तो ये अधिकार देती है ना आपको, जब आप बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक भी अधिकार देती है सर डिफर कर दो पेमेंट। जैसे मेरे पास क्रेडिट कार्ड होता है, मैं जब क्रेडिट कार्ड से कोई बड़ा पेमेंट करता हूं ना तो बैंक मैसेज करती है सर ईएमआई में कन्वर्ट कर लो, सर ईएमआई में कन्वर्ट कर लो, हम लो रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे आपको। तो कंडीशन है ना ये, तो इंटरेस्ट तो कंडीशन हो गई ना, अनकंडीशनल का है, हाँ डिफर करना है करो पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, कंडीशन आ गई ना, समझ रहे हैं, कंडीशन आ गई, अनकंडीशनल राइट टू डिफर नहीं है करंट। हाँ ये कंडीशन मैं एक्सरसाइज कर लूं तो बात अलग है, एक्सरसाइज ही कर लिया, मैंने बोल दिया हाँ मैं पैसे बाद में दूंगा, फिर नॉन करंट है, मैंने एक्सरसाइज कर लिया ना कंडीशन, तो कहानी अलग है, तो फिर वो उसमें आया ही नहीं ना चौथे पॉइंट में, समझ रहे हैं। पर अगर डेफर करने का सिर्फ मेरे पास राइट है, अभी तक के मैंने एक्सरसाइज नहीं किया है, तो इट इज नॉन करंट, समझ रहे हैं। इसके ऊपर इंस्टीट्यूट का एक क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर इंस्टीट्यूट का एक क्वेश्चन है, आप एक साल में क्या दो साल में पे करो लेकिन इंटरेस्ट दे दो, हाँ बस कंडीशनल हो गया ना शुभम जी, समझ गए। What if starting में extra amount लिया defer करने के लिए, अभी जी अगर starting में आप extra पैसे दे चुके हो defer करने के लिए, तो वो तो एक प्रकार का derivative हो गया, embedded derivative हो गया, वो concept financial instrument में पूछना आप मेरे को, financial instrument में समझाऊंगा एकदम detail में, ठीक है। embedded derivative डाल दिया आपने अंदर, institute का ऐसा question है एक, sir if we are going to defer within 12 months, within 12 month तो current होगा, हाँ दीपा जी करेक्ट, अगर विदिन 12 मंथ्स ही डेफर करने का राइट है, यानी बियॉन्ड 12 मंथ डेफर करने का राइट नहीं है, तो बेचारा करंट ही होगा, है ना यार। अब वो इसमें कंडीशन क्या डालो, इसमें मैंने आपको ओरिजिनल डेट ही 30 मार्च 2002 दिया था, तो यहां पे मैं कंडीशन एक और लिख नहीं पाऊंगा, हाँ विदिन 12 मंथ्स है तो करंट ही रहेगा, ये सब लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और क्या क्या है सर, इफ वी आर गोइंग टू डेफर 46% क्रेडिट कार्ड रेट्स, हाँ अरुणा जी अब वो तो जाने ही दीजिए, वो दर्द मत ही बताइए, जो आपने पैसे देने हैं 1500 उसमें सेट ऑफ कर लेना हमारे सर, 0.4 प्लीज रिपीट कीजिए। देखिए ऋषि जी 0.4 में मैंने क्या बोला, मेरे पास डेफर करने का राइट है, पर आप मेरे को क्या बोल रहे हो सर डेफर करना तो करो पर इंटरेस्ट देने लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा, इसके बियॉन्ड डेफर करोगे तो इंटरेस्ट लगेगा, आपने कंडीशन लगा दी ना, तो अनकंडीशनल राइट टू डेफर नहीं है ना, कंडीशनल राइट टू डेफर है मेरे पास, तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, ऐसे केस में क्या होगा, अरे अरे ये मैंने नॉन करंट लिख दिया, एक मिनट, ये करंट है, ये मैंने लिखा गलत है, ये करंट है, अनकंडीशनल राइट टू डेफर है ना, करंट है, वो वहां पे गलत लिख दिया था मैंने, करंट रहेगा, ठीक है। सर हम लेक्चर के साथ में आपके एग्जाम्पल लिख नहीं पा रहे हैं, हाँ ठीक है उर्वशी जी, एक काम कीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए मैं क्वेश्चन बहुत डिटेल में बोलते जा रहा हूं, है ना, मैं बहुत डिटेल में डिस्कशन करते जा रहा हूं, आप लोगों के आंसर्स भी देखते जा रहा हूं, तो ये बीच के टाइम में थोड़ा सा लिख लीजिए, ठीक है, मतलब मुझे कुछ बातें आप लोगों को अलग से लिखने देने के लिए जो टाइम देने की बात है ना, बहुत बार आपको स्क्रीनशॉट्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत सारा टाइम चले जाएगा उसमें, एक एक चीज लिखने के पीछे 5 से 10 मिनट जाते हैं, अपना टारगेट 30 दिन का है ना, कुछ चीजें आपको स्क्रीनशॉट लेके रखनी पड़ेगी, थोड़ा इतना सब लोग थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा, ठीक है। और क्या क्या है सर, हम इंटरेस्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ लोन अरेंजमेंट है, बोल सकते हैं राजीव जी, हाँ सर कैन यू समराइज इट,
ओवरलैप हो रहा है। हाँ हाँ बस अभी करता हूँ, रुको तो सही, फोर्थ पॉइंट समझा दो। हर्षित जी अभी समझाया ना वापस से फोर्थ पॉइंट, अभी आपके लिए तो रिपीट किया था केस फोर दोबारा। अच्छा अच्छा केस फोर में अभी भी कई सारे लोगों को दिक्कत है। देखो केस फोर में क्या हुआ, केस फोर में एक्चुअली यहां लिखा गलत था मैंने, केस फोर में ओरिजिनल को केस वापस देखो, 1 जनवरी मैंने आपसे लोन लिया, 1 जनवरी मैंने आपको बोला 30 मार्च 2002 में आपको पैसे लौटा दूंगा, नॉर्मली ये करंट है, 31 मार्च 2001 को मैं चेक कर रहा हूँ ना, विद इन 12 मंथ्स ये पैसा मुझे मिल रहा है, करंट है, नॉर्मली देखा जाए तो ये करंट है, क्योंकि 12 महीने के अंदर ये पैसे आपको रियलाइज हो जाएंगे, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं 12 महीने से पे कर दूंगा, करंट है। अब मैंने डेफर करने का राइट रखा है, मेरे पास अधिकार है कि मैं इसे डेफर कर सकता हूं, पर डेफर करने के लिए मुझे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, यानी अगर मैं डेफर करता हूं तो मुझे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है ना, तो इंटरेस्ट पे करना कंडीशन होता है ना, अनकंडीशनल राइट थोड़ी है मेरे पास, अनकंडीशनल राइट नहीं है, कंडीशन है कि डेफर करना है तो इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा, समझ में आ रहा है, डेफर करना है तो इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा, तो अगर डेफर करते समय इंटरेस्ट देना पड़ेगा तो मैं डेफर करूंगा या नहीं करूंगा ये तो बात की बात है, वो हम एक्सरसाइज करेंगे कंडीशन की नहीं करेंगे वो बात की बात है। नॉर्मली ये फोर्थ पॉइंट में नहीं आ रहा है, क्योंकि फोर्थ पॉइंट में से वो चीजें आती है जहां अनकंडीशनल राइट टू डेफर होता है, वो कहां था, वो मेरे पास पहले पॉइंट में था, जहां डेफर करने पे आप मुझसे इंटरेस्ट भी नहीं ले रहे तो, और आपने मुझे बोल दिया था सुमित सर आपकी इच्छा करना है डेफर तो कर दो, आपकी इच्छा आपको डेफर करना है तो कर दो, अगर आपकी इच्छा है तो हम इसे करंट क्लासिफाई यानी नहीं करेंगे, हम इसे नॉन करंट बोलेंगे, क्योंकि फोर्थ कंडीशन फोर्थ वाले में आ रहा है, फर्स्ट वाले केस में और फोर्थ वाले केस में मैंने कंडीशन लगा दी आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इसीलिए ये हमारे फोर्थ वाले पॉइंट में ये डी वाले पॉइंट में नहीं आ रहा है। अब ये कहां पे आ रहा है, ये आ रहा है मेरे सी वाले पॉइंट पे, रिपोर्टिंग डेट से 12 महीने के अंदर अंदर मुझे ये पेमेंट करना पड़ेगा, सेटल करना पड़ेगा, इसलिए करंट अभी ठीक। सर हाउ कैन इंटरेस्ट बी कंडीशन, नोबडी विल गिव मोर क्रेडिट विदाउट इंटरेस्ट। हाँ अनंत जी, रिलेशंस में होता है, सब्सिडियरी के केस में होता है, अनकंडीशनल राइट टू डेफर आप देते हैं, ठीक है, रिलेटेड पार्टीज के अंदर में अनसिक्योर्ड लोन्स होते हैं बहुत सारे इंटरेस्ट फ्री, अनसिक्योर्ड लोन्स आपने बहुत सारे देखे होंगे ना, बहुत सारी बैलेंस शीट्स आपने देखी होंगी, रिलेटिव्स के अनसिक्योर्ड लोन होते हैं, इंटरेस्ट नहीं रहता उनके ऊपर, मतलब आपके पास अनकंडीशनल राइट टू डेफर है, आप समझिए उन सबको हम लोग नॉन करंट क्लासिफाई कर रहे हैं, क्योंकि आपकी इच्छा पे डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है, इसीलिए। लेकिन इंटरेस्ट है तो कंडीशनल, वही तो मैंने भी बोला ना शुभम जी, इंटरेस्ट है कंडीशनल है, तो कंडीशनल है तो डी पॉइंट में नहीं बैठा, डी पॉइंट किसको कवर कर रहा है, अनकंडीशनल को कवर कर रहा है, अनकंडीशनल को कवर कर रहा है, वही तो समझाया मैंने शुभम जी, अनकंडीशनल होगा तो नॉन करेंट, कंडीशनल है इसीलिए करें, ठीक है। हाँ दीपा जी, वो तो मैंने बोला डेफर कर सकते हैं विदाउट इंटरेस्ट बट विद इन 12 मंथ्स करंट, विद इन 12 मंथ्स करंट, ठीक है। हाँ डेफर बाय सुमित सर, डेफर करने के अधिकार तो मेरे पास ही है ना, पर कंडीशन क्या लगा दी, विद इंटरेस्ट कंडीशन लगा दी, कंडीशन नहीं चलेगी, मींस इफ कंडीशनल एंड बियॉन्ड 12 मंथ्स देन नॉन करंट, अनकंडीशनल एंड बियॉन्ड 12 मंथ देन नॉन करंट। हाँ रोशी जी, अगर अनकंडीशनल है कोई कंडीशन नहीं और मैं डेफर कर सकता हूं बियॉन्ड 12 मंथ्स तो ये नॉन करंट ही कहलाएगा, इफ पे आफ्टर 12 मंथ देन नॉन करंट, करेक्ट। फोर्थ पॉइंट में अगर 31 मार्च 2002 के बाद पेमेंट होगा तो नॉन करंट होगा, हर्षित जी अगर पेमेंट 31 मार्च 2002 के बाद होगा और अनकंडीशनल होगा यानी विदाउट इंटरेस्ट होगा, विदाउट इंटरेस्ट तो नॉन का तो नॉन करंट, तो नॉन करंट। अगर इंटरेस्ट लगा रहा हूं तो आप समझिए ना, मैंने ओरिजिनल कंडीशन क्या दी है, ओरिजिनल कंडीशन है कि ये दिन पेमेंट करना है, ये ओरिजिनल रूल है, मुझे डेफर करने का राइट दे दो आप 31 मार्च 2002 के बियॉन्ड, आप मुझे, मैं यहां पे एक डेट दे रहा हूं 31 मार्च 2002, मेरा रिपोर्टिंग डेट ये है, ठीक है ये ध्यान रखो, ये रिपोर्टिंग डेट है, आप मुझे 31 मार्च 2002 के बियॉन्ड डेफर करने का राइट दे दो विदाउट इंटरेस्ट, मुझे अधिकार दो, मुझे सुमित सारडा नॉन करंट। और अगर कंडीशन के साथ दे देते हो बियॉन्ड 31 मार्च 2002 एक्सटेंड करने का, कंडीशन के साथ, चौथे वाले में आप मेरे को अधिकार दे रहे हो पर कंडीशन के साथ, ब्याज देना पड़ेगा सर, इंटरेस्ट लगेगा, अब क्या हुआ करंट, अब करंट भले ही मेरे पास डेफर करने का राइट है पर कंडीशनल है इसीलिए करंट। बोलो समझ में आ रहा है क्या, अभी भी कंफ्यूजन है क्या लोगों को,
रत्मेश जी समराइज करने के लिए तो ये एग्जांपल लिखवाया आप लोगों को, आपको ये एग्जांपल फोर्थ वाली कंडीशन समझाने के लिए तो ये चार पॉइंट में लिखवाया मैंने। ये चार पॉइंट लिखाने का मतलब यही है। पहला वाला पॉइंट बोलता है कि अगर सुमित सारडा डेफर कर सकता है विदाउट एनी कंडीशन तो ये नॉन करंट होगा, पर अगर सुमित सारडा डेफर कर सकता है विद कंडीशन फोर्थ वाले पॉइंट में तो ये करंट ही कहलाएगा, ये नॉन करंट नहीं होगा। यही तो समझा रहा हूं, ये चार पॉइंट इसीलिए तो लिखवाया आपको, यही तो समरी है इसकी। Why the text says does not with unconditional right? हाँ शशांक जी, वहां पे जो लैंग्वेज यूज हुई है ना वो उल्टी लैंग्वेज यूज हुई है, इसीलिए तो मैंने आपको हिंदी में उसको समझाया। हमारे पास अनकंडीशनल राइट नहीं होना चाहिए तो करंट है। वो क्या बोलता है, हमारे पास अनकंडीशनल राइट नहीं होना चाहिए तो करंट है। और मैं आपको कैसे पढ़ा रहा हूं, आपके पास अनकंडीशनल राइट है इसीलिए नॉन करंट होना चाहिए। मैं वही तो समझा रहा हूं, आप उसके लैंग्वेज के ऊपर जा रहे हैं, मैं उसको उल्टा करके समझा रहा हूं क्योंकि ईजी हो जाता है समझाने के लिए। ठीक है, वो इजी हो जाता है इसीलिए, और कुछ नहीं है। तो देखो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, एक सिंपल सा वापस से टाइमलाइन बनाते हैं। ये डेट है 31 मार्च 2001, इसको बोलेंगे अपन रिपोर्टिंग डेट। ठीक है, ये डेट है 30 जनवरी 2002, ये रियलाइजेशन डेट है। ठीक है, ये क्या है, ये रियलाइजेशन डेट है। अब रियलाइजेशन डेट से, रियलाइजेशन डेट से मेरे पास डेफर करने का अधिकार है, रियलाइजेशन डेट से मेरे पास डेफर करने का अधिकार है, अधिकार अनकंडीशनल है। ठीक है, डेफर करने का अधिकार किसके पास है, लाइबिलिटी होल्डर, लाइबिलिटी होल्डर। अधिकार अनकंडीशनल है यानी विदाउट इंटरेस्ट, एक प्रकार से मैं इंटरेस्ट एक एज एग्जाम्पल दे रहा हूं, विदाउट इंटरेस्ट यानी कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह की कंडीशन नहीं चलेगी हमको। ठीक है, यानी आप बोलोगे सिक्योरिटी दे देना तो डेफर कर देंगे, तो भी कंडीशन हो गई, वो भी नहीं चाहिए हमको, वो भी नहीं चाहिए। डेफर करने का अधिकार है, अनकंडीशनल है, बियॉन्ड 31 मार्च 2002 होना चाहिए। हां तो ये नॉन करंट कहलाएगा, ये नॉन करंट लाइबिलिटी हो गई। समझ गए, तीनों के आंसर यस, नॉन कंडीशनल हो गया। अगर इनमें से किसी का भी आंसर नो हो जाए, किसी का भी आंसर नो हो जाए तो ये करंट लाइबिलिटी हो जाएगी। समझ गए, किसी का भी आंसर हो जाए तो ये करंट लाइबिलिटी हो जाएगी। मेरे पास डिफर करने का अधिकार ही नहीं है, करंट। मेरे पास डिफर करने का अधिकार है पर कंडीशनल है, करंट। मेरे पास डिफर करने का अधिकार है पर 31 मार्च 2002 के पहले ही तक ही डिफर हो सकता है, यानी लेट से 20 फरवरी 2002 तक ही डिफर हो सकता है, 30 मार्च 2002 तक ही डेफर हो सकता है, करंट। समझ रहे हैं, ये है ये कहानी पूरी की पूरी जो आप लोगों ने समझी यहां पे। बोलो सर, इंटरेस्ट 12 महीने से ज्यादा होगा तो फिर नॉन करंट। अरे इंटरेस्ट होगा तो ही नॉन करंट, इंटरेस्ट 12 महीने से कम हो, इंटरेस्ट आप बोल रहे हो ये सर एक काम करना आप एक्सटेंड कर लो बियॉन्ड 31 मार्च, पर एक महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा सर, सिर्फ एक महीने का इंटरेस्ट। अरे आप एक महीने का इंटरेस्ट बोल दो तो भी तो कंडीशन लगा दी ना, आप कोई भी कंडीशन लगा दो, आप ये कंडीशन लगा दो कि सुमित सर आपको अगर इसे एक्सटेंड करना है तो सिर्फ एक सिक्योरिटी दे देना मुझे, मैं इंटरेस्ट भी नहीं लगा रहा आपको, सिक्योरिटी दे देना कंडीशन है, जमीन मेरे पास गिरवी रखवा देना कंडीशन है। अरे आप कुछ भी बोलो, आप कोई भी चीज डाल दो कंडीशन है। समझ रहे हैं, कोई भी चीज लिख दो कंडीशन है। फोर्थ पॉइंट में जब मर्जी हो चाहे 31 के बाद कंडीशन है तो करंट। अरे हर्षित जी उल्टा पढ़ रहे हो, फोर्थ वाले में पेमेंट जब मर्जी हो चाहे 31 के बाद, जब मर्जी हो चाहे तो नॉन करंट, वही तो समझा रहा हूं, आप करंट बोल दे रहे हो, आप उल्टा पढ़ रहे हो हर्षित जी, आप उल्टा पढ़ रहे हो। कंडीशनल एंड पे आफ्टर 12 मंथ्स करंट। हाँ रूबी जी, रूबी जी आप जो बोल रहे हो मैंने आपको ऊपर भी तो आंसर किया, कंडीशनल है और 12 मंथ के बियॉन्ड है, फिर भी हम लोग इसको करंट ही बोलेंगे, क्यों, कंडीशनल है ना, कंडीशन लगा दी खत्म कहानी, करंट, कंडीशन लगा दी करंट, सोचना ही नहीं उसके आगे, बियॉन्ड 12 मंथ, विद इन 12 मंथ, कुछ नहीं, कंडीशन है ना करंट। समझ गए, जूम इन कर दूं, कैसे जूम इन करूं, ये आया क्या, देखो हाँ मेरे को लग रहा है आ गया, अभी अब आ गया होगा, हाँ लो स्क्रीनशॉट ले लो भाई फटाफट। हाँ भाई अभी भी किसी को डाउट, हाँ कंडीशन है तो कर, हर्षित जी ऊपर देखो ना आपने क्या लिखा है, हाँ ठीक है आप समझ गए ना, बस कहानी खत्म,
आप समझ गए ना, मेरा काम हो गया हर्षित जी। चलो, और भी किसी को किसी भी प्रकार के डाउट है अब भी बोलो। इसके ऊपर इंस्टीट्यूट का एक क्वेश्चन है, आपने एक बैंक से लोन लिया है, बैंक आपको बोलती है कि आप इसे एक्सटेंड कर सकते हैं सर, आपने सोचा नहीं दूसरे बैंक से ले लेंगे लोन। अभी एक काम करो ना यार, वो क्वेश्चन ओपन ही कर देते हैं, खत्म करो, मेरी कहानी एक तरह से खत्म हो चुकी है। मेरे को एक क्वेश्चन आप लोगों को इसके आगे पढ़ाना है जो इंस्टीट्यूट ने न्यूली एडेड क्वेश्चन में ऐड किया है, मुझे बस आप लोगों को वो क्वेश्चन पढ़ाना है, मेरी कहानी बस उत्ते से पे है। अरे यार, मुझे यार वो क्वेश्चन अभी मिल नहीं रहा है। आप लोग एक काम कीजिएगा, ढूंढिएगा, इसी के अंदर में एक क्वेश्चन दिया हुआ है कहीं तो भी, बीच में एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसके अंदर में आपको बोला है आपने बैंक से लोन लेके रखा है, बैंक आपको ऑप्शन दे रही है, आप चाहे तो इसे एक्सटेंड कर सकते हैं पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, फिर आप दूसरे बैंक से लोन ले सकते हैं, आप ये दूसरी बैंक के साथ आप बात कर रहे हैं कि हाँ यहां से लोन लेके दूसरी बैंक के साथ कंटिन्यू करेंगे, तो फिलहाल ये बैंक के साथ आपका जो लोन है इसका क्या करेंगे? ठीक है, मुझे क्वेश्चन अभी मिल नहीं रहा है, मैं आपके साथ उसके सारे के सारे केसेस डिस्कस कर ले रहा हूं, आप लोग यस नो करके आंसर कर देना। तो पहला वाला केस मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूं, पहला वाला केस हमारा ये है कि मैंने बैंक से लोन लेके रखा है जो अभी बस 12 महीने में मैच्योर होने वाला है, 12 महीने में मैच्योर होने वाला है, बैंक ने बोला आप इसे डेफर कर सकते हैं, आप इसे डेफर कर सकते हैं पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, करंट या नॉन करंट? फटाफट आंसर करेंगे, फटाफट आंसर करेंगे। सर आई थिंक इसमें अमेंडमेंट आनी चाहिए, बिकॉज कंपनी बोलेगी बस रुपए एक ले लेना और डेफर कर देना। नहीं, ऐसा होता नहीं है अभी जी, पहली बात तो आप ये समझिए कि ये जो केस है ना डेफर करने वाला, ये सिर्फ रिलेटेड पार्टीज के साथ होगा। नहीं प्रतिभा जी, अभी भी आप वही गड़बड़ तो कर रहे हो, मैंने आपको क्या कहा, 12 महीने के अंदर अंदर ड्यू है, आप डेफर कर सकते हैं पर इंटरेस्ट दे देना, करंट होगा ना, कंडीशनल है, कंडीशनल है, करंट, यही तो समझाया मैंने आपको। प्रतिभा जी ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ठीक है, करंट, ठीक है, कृष्णा जी करंट, अरे कृष्णा जी यही तो बताया, डेफर कर सकते हैं पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है, हमने डेफर का राइट एक्सरसाइज कर लिया, हमने डेफर करने का राइट 31 मार्च के पहले एक्सरसाइज कर लिया, बैंक हमें ऑप्शन दे रही थी कि आप जिसे डेफर कर सकते हैं बियॉन्ड 12 मंथ्स, और हमने वो ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया, हाँ देंगे हम इंटरेस्ट, देंगे हम इंटरेस्ट, हमने ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया, सोच समझ के बताना, मैंने थोड़ा सा बदल दिया, हमने ऑप्शन एक्सरसाइज कर दिया। इलस्ट्रेशन 13, इलस्ट्रेशन 13 है क्या? अरे यार ये पता है क्या, यहां पे एक 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 पेज को ढूंढने में ना बहुत टाइम लग जाता है मुझको, छोड़ो ना, मैं सवाल पूछ रहा हूं ना, आप लोग जवाब दो ना, मैं सवाल पूछ रहा हूं, आप लोग अलग से देख लेना ना उसको। हाँ करंट, अब आप लोग कई सारे लोग करंट बोल रहे हैं, पेज नंबर 2.41। अच्छा एक मिनट एक मिनट एक मिनट, 2.41, हाँ ये रहा ये रहा ये रहा। चलो, एन एंटिटी हैज टेकन अ लोन फैसिलिटी फ्रॉम द बैंक, बैंक से आपने लोन लेके रखा है, टू बी रिपेड विद इन 9 मंथ्स, 9 मंथ्स के अंदर अंदर है फ्रॉम द रिपोर्टिंग डेट, प्रायर टू एंड ऑफ रिपोर्टिंग डेट, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे पेज नंबर बताया। प्रायर टू रिपोर्टिंग डेट द एंटिटी एंड द बैंक एंटर इन टू एन अरेंजमेंट वेयर बाय एग्जिस्टिंग आउटस्टैंडिंग लोन अनकंडीशनली रोल फॉर 5 ईयर्स। आपने अरेंजमेंट कर लिया बैंक के साथ, आपने बैंक के साथ एग्रीमेंट कर लिया कि अब ये लोन आप 5 साल बाद पे करेंगे, ऑब्वियस सी बात है इंटरेस्ट लगेगा। अब समझिए, अब आप में से कुछ लोग इसे करंट बोल रहे हैं, नॉन करंट, अरे अब तो ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया 31 मार्च के पहले, अब कंडीशन की बात कहां से आ रही है, मतलब मैं ये चार्ट क्यों देखूं, मेरे पास ऑप्शन टू डेफर नहीं है, मैंने डेफर कर दिया, आप समझ रहे हैं, आपने बैंक को बोल दिया कि भाई डेफर कर दो, अब ये पैसे सीधा 5 साल बाद ही देना है, आपने कंडीशन एक्सरसाइज कर लिया, अब ये चौथे पॉइंट में है ही नहीं, जहां ऑप्शन एक्सरसाइज करने का ऑप्शन है, अभी तक मैंने ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया है तब तक मैं डी पॉइंट की बात कर रहा हूं, अगर मैंने ऑप्शन एक्सरसाइज ही कर लिया तो अब मैं डी पॉइंट की बात ही क्यों करूं आपसे, कहानी बदल गई, ठीक है, अब 5 साल बाद ही पे करना है। नॉन करंट, सब लोगों को समझ में आया, सब लोगों को समझ में आया, आप में से कई लोगों ने करंट लिखा था, अभी सब लोगों को समझ में आया, देखो मैंने ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया, अब तो पैसे देना ही 5 साल बाद है, अब कंडीशनल राइट टू डेफर की बात ही नहीं है, मैं डेफर ही कर चुका हूं,
अब पॉइंट डी में आ ही नहीं रहा कहानी, लोन ही 5 साल का हो चुका है, ठीक है, नॉन करंट। किसी को अभी भी कंफ्यूजन है तो बताइएगा। हाँ नहीं, अभी कंडीशन अनकंडीशन की बात ही नहीं है, ऑप्शन की बात ही नहीं। अब तो लोन ही 5 साल का हो गया है तो बात अनकंडीशनल की है ही नहीं, अभी सिंपल कहानी रह गई है। मैंने डेफर कर दिया, ठीक है। अब उन्होंने बोला बी पॉइंट के अंदर अगर हम ये कंडीशन बाद में एक्सेप्ट करते तो क्या होता, बी वाला पॉइंट बाद में एक्सेप्ट करते। ये सवाल मैंने आप लोगों को पहले जब पूछा था ये था कि मैंने 31 मार्च के बाद बैंक को बोला चलो डेफर कर देते हैं यार, चलो डेफर कर देते हैं, ठीक है। मानसी जी बाद में आते ना, आप जो इलस्ट्रेशन 13 पार्ट सी बोल रहे हैं मैं सब करा रहा हूं ना। ए वाला क्या था, मैंने 31 मार्च के पहले बोल दिया चलो डेफर कर देते हैं, अब मैं बी में 31 मार्च के बाद बैंक को बोल रहा हूं चलो डेफर कर देते हैं, 31 मार्च के बाद बोल रहा हूं मैं। अब ये लोन मेरी बुक्स में 31 मार्च को करंट है या नॉन करंट, फटाफट बताइए। ये कब से मेरे यही क्वेश्चन थे विजय जी, मुझे समझा नहीं आप क्या बोल रहे हैं। इफ ऑप्शन वॉज गिवन आफ्टर एंड ऑफ रिपोर्टिंग डेट तो करंट। हाँ राजेश जी बिल्कुल करंट, क्या बात, करंट, यहां करंट है यहां नॉन करंट हो गया था, रिपोर्टिंग डेट करंट बिकॉज कंडीशन एक्साइज नहीं किया था, क्या बात है उर्वशी जी, गजब बीसीडी। अरुणा जी ने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया आगे। हाँ अब सी पॉइंट बोलता है विथ रेस्पेक्ट टू ए एग्जिस्टिंग फैसिलिटी फ्रॉम डिफरेंट बैंक। आईसीआईसीआई बैंक को मैंने बोला आईसीआईसीआई बैंक से लोन 9 महीने में पेमेंट पे, ठीक है, 9 महीने या 9 महीने लिखा है, या 9 महीने लिखा है। मैंने यही लोन टेक ओवर करवा दिया एसबीआई से, 9 महीने बाद होगा, पर ये जब ये 9 महीने खत्म हो जाएंगे ना तब एसबीआई टेक ओवर कर लेगा। बोलता है 5 साल के लिए हम टेक ओवर करते हैं सर, पर 9 महीने बाद होगा, 9 महीने बाद हो गया, सब एग्रीमेंट साइन हो गया, सब कुछ हो गया। आईसीआईसीआई बैंक से लोन कलेक्ट कर लेगी एसबीआई और फिर मुझे एसबीआई को 5 साल बाद ये पैसे देना है। ये 31 मार्च के पहले हो चुका है। अब आईसीआईसीआई के साथ जो लोन आउटस्टैंडिंग है वो बुक्स में दिख रहा है, करंट या नॉन करंट फटाफट बताइए, करंट या नॉन करंट फटाफट बताइए। अरुणा जी का आंसर तो आ गया, सी का क्या होगा, करंट या नॉन करंट, सी पार्ट है वो क्वेश्चन। यानी विद इंटरेस्ट होने पर अगर हम 12 मंथ के बियॉन्ड डेफर करते हैं तो, अरे विजय जी क्या कर रहे हो, विजय जी यही तो बोला अगर विद इंटरेस्ट हम डेफर करते हैं, हाँ अगर कर दिया बराबर, अगर कर दिया तो नॉन करंट, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, अगर कर दिया एक्सरसाइज ही कर लिया ऑप्शन तब तो नॉन करंट ही है, एक्सरसाइज ही कर लिया तो नॉन करंट, सही बोल रहे हैं आप। हाँ सभी लोगों का कहना है करंट, कृष्णा जी ने कहा है नॉन करंट, नहीं कृष्णा जी करंट ही रहेगा, क्यों, आईसीआईसीआई को तो 9 महीने में पैसे देना ना, आईसीआईसीआई का डिफर नहीं किया ना, आईसीआईसीआई को तो 9 महीने में पैसे देना है, एसबीआई 5 साल, एसबीआई 5 साल, ठीक है। एसबीआई इस दिन आपके बुक्स में नहीं दिख रहा है, एसबीआई के साथ सिर्फ एग्रीमेंट हुआ है, एसबीआई इस दिन आपके बुक्स में नहीं दिख रहा है, तो एसबीआई की बात मत करना सर, एसबीआई नॉन करंट दिखाएंगे। कई बार स्टूडेंट बोल भी देते हैं, अरे लिख भी देते हैं स्टूडेंट, ये क्वेश्चन जब मैंने कहीं तो भी कोई तो एक लाइव क्लास में लिया था तो स्टूडेंट ने बोला सर एसबीआई वाला नॉन करंट, अरे नहीं नॉन करंट नहीं, वो दिख ही नहीं रहा बुक्स में, ऐसा एग्जाम में लिख के मत आना, गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। विल यू आंसर बी डिफरेंट इफ द फैसिलिटी इज नॉट येट टाइड अप विद एग्जिस्टिंग बैंक बट कैन बी डन, आप कर सकते हैं आपकी इच्छा है तो आप कर सकते हैं, पर कंडीशनल ऑब्वियस बात है बैंक इंटरेस्ट लेगी। आप डेफर कर सकते हैं आपकी इच्छा, पर आपने अभी तक किया नहीं है, आप डेफर कर सकते हैं आपने अभी तक किया नहीं है, डी वाला। हाँ डी वाले में 12 मंथ वाली कंडीशन है हर्षित जी, इसीलिए तो करंट है ना, ठीक है, नो डेफरमेंट एज द एंटिटी हैज नो कंडीशनल राइट टू डेफर इट्स करंट, क्या बात है क्या बात है, गजब गजब। हाँ करंट, शाबाश शाबाश शाबाश। कंडीशनल है करेक्ट रूबी जी। हाँ ऐसा क्वेश्चन जब मैं पूछता हूं ना तो ऐसा दिल में ऐसा हल्का हल्का धक-धक होता है कि अभी पूरा का पूरा समझा दिया, अभी कोई एक जन नॉन करंट बोलने को ना, है ना, ठीक है करंट शाबाश। पोटेंशियल टू रीफाइनेंस इज नॉट कंडीशनल राइट टू डेफर, क्या बात है आनंद जी शाबाश, क्या बात, अभी सब लोग समझ गए, अभी मेरे को पता है आप सब लोग समझ चुके हैं। तो अब मैं आता हूं ओसीआई पे, मैंने आपको कहा था इसमें 3 कहानियां जरूरी है, एक लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट, एक अभी तो करंट नॉन करंट बाइफरकेशन, उसको हमारा बहुत सारा टाइम लग गया। अब हम बात करते हैं ओसीआई की, ओसीआई की कहानी बहुत सिंपल है, ठीक है, अपन दूसरी चीज पे आ गए इंडिया S1 में, ठीक है ओसीआई। अब यहां पे ध्यान दो, ओसीआई क्या होता है,
उसे ऐसी इनकम होती है जो ना इनकम है जो मैंने अर्न कर ली पर मैंने रियलाइज नहीं की। फॉर एग्जाम्पल आपने रिलायंस का शेयर खरीदा, ठीक है, आपने रिलायंस का शेयर खरीदा, रिलायंस का शेयर 1800 रुपए का, अपना इंटेंशन नहीं है बेचने का, अपन ने सोच के रखा है कि अपन सीए बनेंगे, सीए बनने के बाद अपन प्रैक्टिस करेंगे, जॉब करेंगे, जॉब करने के बाद में अपन आगे शादी करेंगे, शादी के हनीमून के लिए ना अपने को पैसा लगने वाला है, आज से इन्वेस्टमेंट शुरू करो रिलायंस का शेयर खरीदने का, ठीक है, ये आपका इंटेंशन है, मेरा नहीं, मेरा सब हो गया, आप लोगों का इंटेंशन है। तो आप रिलायंस का शेयर खरीदे 1800 रुपए का, 1800 का 2500 रुपए हो गया, अरे क्या दिल में खुशी हो रही है जबरदस्त, अरे देखो 2500 रुपए का शेयर हो गया, बेच नहीं रहे, बेच नहीं रहे पर खुशी बहुत हो रही है, समझ रहे हैं, ये जो आपने 700 रुपए कमाए ये अर्नड है पर रियलाइज नहीं है, समझ रहे हैं, अर्नड है पर रियलाइज नहीं है ये पैसा, क्लियर है, कहानी समझ में आ रही है आप सब लोगों को। इसको हम लोग बोलते हैं अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ऐसी इनकम्स को बोलते हैं अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। चलो बढ़िया, समझ गए, कोरोना टाइम में इतना लंबा नहीं सोच सकते, अरे अरे अरे। अच्छा एक और चीज सब लोगों को बोल देता हूँ यार, 57 लोग लाइव है तो इसीलिए एक बार बता देता हूँ यार, अगर इंजेक्शन मिल रहा है ले लो, मैंने एक शॉर्टकट टेक्निक देखी है, आप लोग बोलोगे 18 साल वालों को नहीं मिल रहा है, 9 बजे रात को अपडेट करता है जो अपना गवर्नमेंट है ना, वो ये कोविशील्ड को वैक्सीन पूरे के पूरे इंडिया का 9 बजे करीब अपडेट करता है, 9 बजे के 5 मिनट पहले लॉग इन करके बैठे रहो और 9 बजे बराबर जैसे ही आएगा ना अपना स्लॉट बुक कर लो, पर इंजेक्शन ले लो एग्जाम के पहले, क्या होगा, एग्जाम में इंजेक्शन का एक फायदा है, कोविड हुआ भी तो उसका इम्पैक्ट उतना सीवियर नहीं होता, आप सिर्फ एसिंक्रोमेटिक होते हो, जो एक रहता है ना कि आप सिर्फ कैरियर हो, उससे ज्यादा आपको हेल्थ इश्यू इतना ज्यादा नहीं होगा, तो ये मैंने बहुत सारे केसेस में देखा भी है, आंखों के सामने देखा है मैंने, इसीलिए मैं आप लोगों को बोलूंगा कि अगर इंजेक्शन मिलता होगा ना ले लेना। चलो तो अभी मैं यहां पे आ जाता हूं, तो दिस इज कॉम्प्रिहेंसिव इनकम 700 में हनीमून, अरे हर्षित जी अब भी 700 रुपये हुआ, आपके हनीमून तक के थोड़ी चला गया 700 रुपये, कैसी बात करते हो, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये बातें ना शेयर होल्डर को बताना जरूरी है, कंपनी के केस में क्या होता है, कंपनी इन्वेस्ट करती है, कंपनी का इंटेंट ट्रेड करने का नहीं है पर इक्विटी में इन्वेस्ट करके बैठी है, आपके शेयर होल्डर्स के साथ आपकी खुशी शेयर कीजिए, इनका बस ये कहना है आपकी खुशी शेयर कीजिए, मतलब आपने ऐसी इनकम जो आप अर्न कर ले रहे हैं पर रियलाइज नहीं कर रहे, रियलाइज फ्यूचर में कभी करेंगे, इंटेंशन भी नहीं है रियलाइज करने का, पर अपने शेयर होल्डर्स को भी तो बता दो, देखो देखो ऊपर चला गया, देखो देखो नीचे चला गया, नुकसान हो गया, सिर्फ शेयर होल्डर को इन्फॉर्म करने वाली चीजें अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर आती है, ये लिस्ट एग्जॉस्टिव है, इसके अंदर बहुत लिमिटेड चीजें आती है, तो वो हम लोग पढ़ेंगे। ये दो टुकड़ों में बटता है, एक वो जो रिक्लासीफाई हो जाता है फ्यूचर में पीएल में, जब ये रियलाइज होता है तब रिक्लासीफाई कर देते हैं आप पीएल के अंदर में, ठीक है, आपकी स्क्रीन पे शायद थोड़ी देर बाद आएगा, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पेन का कनेक्शन में कुत्तों भी गड़बड़ हो गया है, और कुछ ऐसे होते हैं जो नॉट रिक्लासीफाई होते हैं फ्यूचर में, ठीक है, ये दो टुकड़ों में बट जाता है। वैक्सीन ले लिया, बहुत बढ़िया सर, कैन यू टेल मी व्हेन शैल बी द एग्जाम, जयशंकर जी मुझे लगता है कि जून एंड में एग्जाम हो जानी चाहिए, पर देखो देखो फिलहाल अपन उसके बारे में ज्यादा कुछ बात नहीं करते, अभी यहां पे ध्यान दो ना यार, एग्जाम एग्जाम में क्या करेंगे, अभी अभी यहां ध्यान दीजिए, मैंने मेरे नोट्स में रिक्लासीफाई नॉट रिक्लासीफाई लिख दिया है पर वो स्क्रीन के ऊपर आ नहीं रहा है, शायद थोड़ी देर बाद आ जाएगा, मुझे लगता है कुत्तों भी इसमें डेफर चल रहा है, कुत्तों इशू हो गया है मेरे को लगता है, जाने दो, खैर चलो ध्यान दो। अब रिक्लासीफाई नॉट रिक्लासीफाई क्यों, जो हमारे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस से रिलेटेड है उनको रिक्लासीफाई कर दो, जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस से रिलेटेड नहीं है उसको रिक्लासीफाई मत करो, मतलब ऐसी चीजें जिनको रिक्लासीफाई करना लॉजिकल है, यानी पीएल के ऊपर बहुत ज्यादा अननेसेसरी इंपैक्ट नहीं होगा, यानी प्रॉफिट ऐसा अननेसेसरली नहीं बढ़ जाएगा, उनको रिक्लासीफाई कर दो टू पीएल, और जहां पे नहीं प्रॉफिट अननेसेसरली बढ़ सकता है वहां पे नॉट टू बी रिक्लासीफाइड, यानी पीएल के ऊपर बहुत सिग्निफिकेंट इंपैक्ट नहीं आना चाहिए, उस बेसिस पे ओसीआई को दो टुकड़ों में बांटा गया है, पहला टुकड़ा वो जो रिक्लासीफाई करेंगे पीएल में। अच्छा मैं आपको ना रिवैल्यूएशन से बताता हूं, रिवैल्यूएशन सरप्लस ये नॉट टू बी रिक्लासीफाइड टू पीएल में आता है, क्यों, पीपीई खरीदा मैंने, पीपीई को मैं फेयर वैल्यू पे दिखा रहा हूं, तो 1 लाख की पीपीई है, 1.5 लाख पे दिखाया, 50,000 रुपए रिवैल्यूएशन सरप्लस में चले गए। अब जिस दिन आप इस पीपीई को बेचोगे प्रॉफिट भी हो सकता है लॉस भी हो सकता है, इस प्रॉफिट या लॉस ये वन टाइम है, ये नॉन रिकरिंग है, इसका आपके ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, समझ रहे हैं, तो इसका इंपैक्ट आपके प्रॉफिट्स में दिखाना, एक तो फेयर वैल्यू चेंज आप दिखा रहे हैं और जनरली आप उन एसेट्स का दिखाएंगे जिनमें आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हाँ फेयर वैल्यू बहुत ज्यादा है, फॉर एग्जांपल जमीन, आप जनरली रिवैल्यूएशन मॉडल पीपी यानी प्लांट एंड मशीनरी पे नहीं लोगे जिसका वैल्यू हमेशा गिरता रहता है, जैसे कंप्यूटर्स,
आप कंप्यूटर्स में जनरली रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो नहीं करेंगे, इलॉजिकल बात है, कोई नहीं करेगा। अपनी बैलेंस शीट में सब लोग अच्छा पिक्चर दिखाना चाहते हैं, खराब पिक्चर कोई नहीं दिखाना चाहते, ये बात ध्यान में रखिए। तो जमीन, अब जमीन में जिस दिन बेचूंगा उस दिन अननेसेसरली ह्यूज प्रॉफिट्स आएंगे, मतलब उसको पीएल में रिक्लासीफाई करके ईपीएस को सडनली बढ़ा देना, इट डजंट मेक सेंस। इसीलिए इन लोगों ने उसे नॉट टू बी रिक्लासीफाइड टू पीएल में डाल दिया। तो रिवैल्यूएशन सरप्लस इज समथिंग जो हमेशा अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम से रूट होगा। मैं जब भी पीपी को रिवैल्यू करूंगा, मैं उसे रिवैल्यू करूंगा हमेशा ओसीआई से, ठीक है? आई होप आप लोग समझ रहे हैं। सो दीज आर नॉट रिक्लासीफाइड टू पीएल, बट टैक्स तो पे इन एडवांस फॉर ओसीआई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है अरुणा जी, ओसीआई वाली आइटम्स के ऊपर सरकार टैक्स नहीं देती। मैट में भी नहीं आता ओसीआई, मैट के लिए भी कंसिडर नहीं करते ओसीआई को, तो ठीक है। नहीं, कुछ करते हैं कुछ नहीं करते हैं ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मैंने इसके ऊपर मैंने एक लेक्चर लिया था पूरा का पूरा। तो मैट के अंदर में भी ये नॉट टू बी रिक्लास, ये जो नॉट रिक्लासीफाइड टू पीएल है ना, इनके ऊपर आप मैट भरते हैं, जो रिक्लासीफाई होता है उस पर मैट नहीं भरते हैं, टू बी मोर प्रिसाइज, ठीक है? चलो, हाँ समझ में आ रहा है, किसी को यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो बोलना। दूसरा, हम आगे जाके पढ़ेंगे एफवीओसीआई क्लासीफाई किए हुए इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिन्हें हम एफवीओसीआई क्लासीफाई करते हैं, मतलब फेयर वैल्यू चेंज ओसीआई में जाएगा, फेयर वैल्यू चेंज पीएल में नहीं डालेंगे ओसीआई में डालेंगे। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बॉन्ड और एक होता है इक्विटी। अगर इक्विटी से रिलेटेड है तो पीएल में रिक्लासीफाई नहीं करेंगे, अगर इक्विटी से रिलेटेड है तो पीएल में रिक्लासीफाई नहीं करेंगे। क्यों? इक्विटी बहुत वोलेटाइल आइटम होती है, उसके फेयर वैल्यू चेंज बहुत ज्यादा होते हैं, उसको भी पीएल में लेके जाना अननेसेसरी ईपीएस इंपैक्ट, इट डजंट मेक सेंस, इसीलिए इसको हम रिक्लासीफाई नहीं करते हैं। बट अगर आपने एफवीओसीआई डेट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट को क्लासीफाई किया था तो दे आर रिक्लासीफाइड टू पीएल, ठीक है? आपकी स्क्रीन पे थोड़ी देर बाद आ जाएगा, ये रिक्लासीफाइड टू पीएल होगा एफवीओसीआई डेट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स। ऐसा क्यों? डेट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट में एक तो फेयर वैल्यू फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा नहीं होता, दो जनरली एफवीओसीआई क्लासीफाई किए हुए डेट इन्वेस्टमेंट्स, वो इन्वेस्टमेंट जिनको आपने डेट क्लासीफाई किया है, ठीक है? इन्वेस्टमेंट एफवीओसीआई लाइबिलिटी साइड पे कभी नहीं आता, एसेट साइड पे ही आता है। तो आप किसके लिए करते हैं? वो हमारे एम्प्लॉयज है, एम्प्लॉयज के बिहाफ में मैंने कहीं इन्वेस्ट कर दिया। जनरली डेट बेस्ड इन्वेस्टमेंट आप किसके लिए करेंगे? वो हमारे बिजनेस की ट्रेडिंग लायबिलिटीज से रिलेटेड हम लोग डेट बेस्ड इन्वेस्टमेंट करेंगे जनरली, ये जनरल पार्लेंस होता है। तो इंस्टीट्यूट मानता है कि जनरली जब आप डेट में डेट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब आपके बिजनेस रिलेटेड कई लायबिलिटीज होती है जिससे रिलेटेड आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया होगा, मतलब ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ऐसे इन्वेस्टमेंट्स करने पड़ते हैं, जरूरी है। जैसे एम्प्लॉई है, एम्प्लॉई जब रिटायर होगा तो उसको पैसा देना पड़ेगा, तो हमने इन्वेस्ट करके रखा है ना? तो आप बोलोगे सर वो डिफाइंड प्लान एसेट्स है, डिफाइंड प्लान एसेट्स, हाँ मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, डिफाइंड प्लान एसेट्स वगैरह की बात कर रहा हूँ। तो मैंने उनको एफवीओसीआई क्लासीफाई करके रखा है, लेट्स अस्यूम, अभी इंडिया 19 को मिक्स मत करो इसके साथ, अभी सिर्फ कंसेप्ट समझो आप। तो दे आर कंसिडर्ड कि डेट बेस्ड इन्वेस्टमेंट आपके ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस से रिलेटेड होते हैं, इसीलिए उनको रिक्लासीफाई किया जाता है पीएल के अंदर में। ये एक जनरल रूल याद ध्यान में रखिए, ठीक है? हाँ, अभी तक के कोई क्वेश्चन मैंने नहीं आंसर किया होगा तो प्लीज बता दीजिएगा। डेफर्ड टैक्स बनता है, डेफर्ड टैक्स इंडिया 12 में पढ़ेंगे हिमांशु जी, उसके बारे में अभी बात नहीं करूंगा मैं आप लोगों से। इक्विटी हेल्ड फॉर ट्रेडिंग नॉट रिक्लासीफाइड टू पीएल, हाँ उर्वशी जी कोई लिखा मैंने। अब होता है एक्चुरियल गेन एक्चुरियल लॉस, इसके बारे में मैं अभी बात नहीं करूंगा कि ये क्यों ओसीआई में जाता है एक्चुरियल गेन एक्चुरियल लॉस, ये नॉट रिक्लासीफाइड टू पीएल में रहेगा, ये हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में जब हम लोग इंडिया 19 पढ़ेंगे, अभी इसके बारे में मैं आप लोगों से ज्यादा बात नहीं करूंगा। यहां पे फिर दूसरा आता है फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व्स, कौन से वाले? ये भी हम लोग देखा जाए तो इंडिया 21 में पढ़ेंगे। देखो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन दो तरह के होते हैं, एक मेरे फॉरेन में ऑपरेशन है, बिजनेस चल रहा है, बिजनेस उससे रिलेटेड फ्लक्चुएशन, और एक मैं फॉरेन से लोन लेके बैठा हूं उसके फ्लक्चुएशन, फॉरेन में मेरे डेटर्स है उसके फ्लक्चुएशन, फॉरेन में मेरा क्रेडिटर है उसके फ्लक्चुएशन। डेटर, क्रेडिटर्स, लोन, ये फॉरेन ऑपरेशंस नहीं है, ये फॉरेन ऑपरेशन नहीं है, इनके फ्लक्चुएशन पीएल में जाते हैं, इनके फ्लक्चुएशन पीएल में जाते हैं, पर फॉरेन में मेरा ऑपरेशंस है, मेरा एक बिजनेस सेगमेंट है फॉरेन में, मेरी सब्सिडियरी है फॉरेन में, कोई बिजनेस एक डिपार्टमेंट है, कोई ब्रांच है जहां से पूरा बिजनेस मैनेज किया जा रहा है, उसके फ्लक्चुएशंस ओसीआई में जाते हैं। डिटेल डिस्कशन इंडिया 21, ये रिक्लासीफाई होते हैं पीएल में क्योंकि ये बिजनेस से रिलेटेड है, ये बिजनेस से ऑब्वियसली बात है ना, मेरा बिजनेस चल रहा है यार वहां पे, उसके फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन है, तो ये फ्यूचर में हम लोग पीएल में रिक्लासीफाई करते हैं। पर ये डिफरेंस याद रखिए, डेटर्स, लोन, क्रेडिटर्स, इनके फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन, ये सारे पीएल में जाते हैं, पर अगर मेरा प्रॉपर फॉरेन में ऑपरेशन है
वो फॉरेन ऑपरेशन के डेटर, क्रेडिटर, एसेट्स, सब कुछ उसके फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन ओसीआई में जाते हैं, उसके फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन ओसीआई में जाते हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट? हाँ, ऑपरेशंस के रिक्लासिफाई होंगे ना पीएल में रूबी जी, वही तो बोल रहा हूं, फ्यूचर में रिक्लासिफाई होंगे पीएल में, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट? ये ओसीआई की बात हो गई, ये ओसीआई की बात हो गई, ओसीआई आप लोगों को समझ गया। किसी को ओसीआई में कोई डाउट है तो बोलना, ओसीआई में मुझे इतना ही बताना था। अब मैं लॉन्ग टर्म लोन अरेंजमेंट पे जा रहा हूं, जिसमें कई सारे कंफ्यूजन होते हैं, वो कंसेप्ट हमको बहुत अच्छे से समझना है। लॉन्ग टर्म लोन अरेंजमेंट इंड एस वन का तीसरा पार्ट, दो पार्ट हमने कर दिए। हमने पढ़ा करंट नॉन करंट बाइफर्केशन एसेट का, जिसके अंदर चार पॉइंट थे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमेशा करंट, फिनिश गुड्स हमेशा करंट, रिपोर्टिंग डेट से 12 महीने के अंदर रियलाइज होंगे, कंज्यूम होंगे करंट, नहीं कंज्यूम नहीं, रियलाइज होंगे करंट। मेरा जिस दिन डेटर बने, रॉ मटेरियल मेरा जिस दिन आया, लोन्स एंड एडवांसेस उससे ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर है तो करंट, अदरवाइज नॉन करंट। ये सब एसेट साइड में। लाइबिलिटी साइड में एक पॉइंट एक्स्ट्रा पढ़ लिया कि अगर मेरे पास अनकंडीशनल राइट टू डेफर है बियॉन्ड 12 मंथ तो नॉन करंट, तो नॉन करंट, अदरवाइज करंट, समझ गए। उसी आई के अंदर में ये पांच पॉइंट याद रखना है, इससे ज्यादा कुछ भी याद मत रखिए, ये पांच पॉइंट बहुत मोर देन सफिशियंट है। डिस्पोज ऑफ, हाँ जब डिस्पोज करेंगे तब पीएल में रिक्लासिफाई होगा। हाँ रूबी जी, जब डिस्पोज ऑफ करेंगे तब रिक्लासिफाई टू पीएल होगा, वही तो है, मैंने आपको क्या कहा, जब रियलाइज होंगे तब रिक्लासिफाई टू पीएल होते हैं, वही समझा रहा हूं मैं। पहले दो पॉइंट रियलाइज होंगे पीएल में, बाकी के तीन पॉइंट ये रियलाइज नहीं होंगे, यानी रियलाइज भी हुए तो रिटेन अर्निंग में डालना है, पीएल में रिक्लासिफाई नहीं करेंगे। यहां तक समझ गया? किसी को भी यहां तक डाउट होगा तो बोलना। आखिरी पॉइंट है लॉन्ग टर्म लोन अरेंजमेंट, यहां ध्यान दीजिए, ये सिर्फ इंडिया में, ये आईएफआरएस में नहीं है, क्योंकि इंडिया में ये बहुत कॉमन है, इंडिया में ये बहुत कॉमनली होता है इसीलिए। हाँ हाँ वैभव जी, दूंगा मैं एंड में पूरे डिटेल देने वाला हूं, रुकिए, बस ये आखिरी पॉइंट और इसके बाद में मैं आपको क्लास डिटेल देना शुरू कर दूंगा। लॉन्ग टर्म लोन अरेंजमेंट क्या हुआ, मैंने बैंक से लोन लिया, मैंने बैंक से 10 लाख का लोन लिया, 5 साल के लिए मैंने लोन लिया। बैंक ने बोला देखो इंटरेस्ट ना हर एक महीने में पे करते रहना, इंटरेस्ट मंथली बेसिस पे, जिस दिन इंटरेस्ट हम चार्ज करेंगे 30 दिन के अंदर पे कर देना, नहीं पे किया तो पूरा लोन रिपेबल ऑन डिमांड हो जाएगा। बैंक ने कंडीशन लगा दी, पूरा लोन रिपेबल ऑन डिमांड हो जाएगा। बोला ठीक है, चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हुआ क्या, 1 फरवरी 2001 का इंटरेस्ट 28 फरवरी 2001 को ड्यू हो गया, बराबर एक महीने का इंटरेस्ट ड्यू हो गया, 30 दिन के अंदर पे करने का टाइम दिया था बैंक ने मुझे, लेट्स अज्यूम 31 मार्च 2001 तक का टाइम दिया था बैंक ने, मैंने पे नहीं किया। बैंक ने लेटर भेज दिया रिपेबल ऑन डिमांड, पूरा लोन रिपेबल ऑन डिमांड, लोन वापस करो आप, आपने इंटरेस्ट ऑनर नहीं किया, लोन वापस करो आप। कहानी समझ गए आप लोग यहां तक के? ठीक है, कुछ मिस किया क्या मैंने? नॉट रिक्लासिफाइड टू पीएल में जाता ही नहीं कभी। देखिए तृप्ति जी, आप जो बोल रहे हैं इंडेस 21 रिलेटेड एफसीटीआर, वो अपन इंडेस 21 के समय पढ़ेंगे, मैं समझा दूंगा आपको तब। ठीक है, अभी यहां पे ध्यान दीजिए, अब लॉन्ग टर्म लोन अरेंजमेंट पे ध्यान दीजिए तृप्ति जी, यहां तक समझ गए? अभी रिपेबल ऑन डिमांड लोन करंट हो गया, अरे मेरी बुक्स में भी करंट हो गया ना बाबा, मेरे को लोन रिपे करना था 10 लाख रुपए, मेरा इंटरेस्ट मैंने ऑनर नहीं किया, तो अभी इसी बात है लोन करंट क्लासिफाई हो जाएगा। समझ गया ना दिक्कत? समझ गए, लोन करंट क्लासिफाई हो जाना चाहिए। अब बीओडी ने अप्रूव किया बैलेंस शीट को 31 मई 2001 को, ठीक है, 30 अप्रैल 2001 हमने ये इंटरेस्ट पे कर दिया एंड बैंक से माफीनामा ले लिया। बैंक ने बोला चलो ठीक है माफ किया, जाओ, बैंक मैनेजर ने बोला जाओ माफ किया, कब? 30 अप्रैल को, 30 अप्रैल को हमने वो इंटरेस्ट पे कर दिया और बैंक को बोला अरे यार ठीक है ना यार, कर दो ना यार माफ कर दो, उन्होंने बोला हाँ चलो ठीक है माफ किया। कर कब रहे हैं ऑनर? 31 मार्च के बाद, रिपोर्टिंग डेट के बाद कर रहे हैं, है ना, समझ गए आप लोग? पर मैंने बीओडी अप्रूवल के पहले पहले कर दिया है, रिपोर्टिंग डेट के बाद बीओडी अप्रूवल के पहले पहले मैंने ऑनर कर दिया एंड द लोन हैज अगेन बीन रिक्लासिफाइड एज नॉन करंट बाय बैंक, बैंक ने इसे वापस नॉन करंट रिक्लासिफाई कर दिया। सवाल है कि मैं इस दिन क्या करूं इसे, मैं इस लोन को करंट दिखाऊं या नॉन करंट, क्योंकि इस दिन ये लोन था तो करंट, पर बाद में बैंक ने मुझे माफीनामा दे दिया जिसके कारण ये लोन वापस से नॉन करंट हो चुका है 30 अप्रैल को, तो मैं 31 मार्च को क्या करूं, करंट करूं या नॉन करंट करूं? तो ये एक लॉन्ग टर्म लोन अरेंजमेंट के अंदर डाला गया पॉइंट, जिसमें उन्होंने बोला आप इसे नॉन करंट दिखाएंगे।
आप इसे इस दिन नॉन करंट दिखाएंगे। कब दिखाएंगे? अगर रिपोर्टिंग डेट के बाद, बीओडी के अप्रूवल के पहले, जो जो भी डिफॉल्ट था आपने डिफॉल्ट को रेक्टिफाई कर दिया एंड माफीनामा मिल गया है, यानी बैंक मान गई है, हाँ चलो माफ किया, बैंक मान गई है, ऐसे में आप उस लोन को नॉन करंट दिखाएंगे। समझ गए सब लोग? समझ गए सब लोग? इंडियस में ये आई इंटरनेशनली नहीं है। तो सर ऐसा इंटरनेशनली क्यों नहीं है? इंटरनेशनली बोलते नहीं, करंट दिखाने का है, आईएस आईएस ऐसा बोलता है, क्योंकि इंडिया में ये बहुत कॉमन है, ऐसे डिफॉल्ट तो हम लोग करते ही हैं। जब तक बैंक मैनेजर 10 बार आके बोलेगा नहीं अरे भाई भर, हम नहीं भरते, सभी के क्लाइंट वैसे ही है, कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, तो ये नॉर्मल कोर्स में इंडिया में होता है। अगर हम लोग नहीं देंगे ऐसा माफीनामा इंडियस के अंदर, तो जितनी लिस्टेड कंपनी से, अरे रिलायंस पकड़ लो, उनके सारे लोन करंट दिख जाएंगे, इतनी गड़बड़ हो जाएगी। तो ये नहीं चलता, इंडिया में प्रॉब्लमेटिक इशू है, इसीलिए कार्व आउट है, आप इसे नॉन करंट दिखा दीजिए। समझ गया सब लोग? यस दिस इज एडजस्टिंगमेंट, यस दिस इज एडजस्टिंगमेंट। ठीक है, तो इंड एस के हिसाब से हम इसे एडजस्टिंग इवेंट बोल के इस तरह से प्रेजेंट करेंगे। सब लोगों को क्लियर है क्या? सब लोगों को समझ गया क्या? बोलो। तो अब इसमें ना अपने को ट्विस्ट एंड टर्न करना है, कहानी को कई तरीकों से बदलेंगे। मैंने क्या लिखा, मैंने आपको क्या बोला, रिपोर्टिंग डेट पे आपसे हुआ डिफॉल्ट, ठीक है, यस आपसे डिफॉल्ट हुआ है, आपने डिफॉल्ट को रेक्टिफाई किया, ठीक है, नहीं रुको, डिफॉल्ट के अगेंस्ट आपने बैंक परमिशन ली, ठीक है, कि हाँ चलो डिफॉल्ट को कर देते हैं, ठीक, आपने रेक्टिफाई कर दिया, बीओडी अप्रूवल के पहले, प्रायर टू बीओडी अप्रूवल, ठीक है, यहां भी यस यहां भी यस, तो ये लोन को हम नॉन करंट लायबिलिटी दिखा देंगे। यहां तक समझ गए? तो दीपा जी ने सर कहा कि हाउ ऑन 31 मार्च वी कैन से मिस्टेक हैज बीन रेक्टिफाइड। एडजस्टिंग इवेंट दीपा जी, एडजस्टिंग इवेंट, बीओडी के अप्रूवल के पहले हमने रेक्टिफाई कर दिया ना, तो हाँ ठीक है भाई, माफीनामा दे दिया गया। आप समझिए, आप मेरे को ये मत बोलिए सर 31 मार्च को तो डिफॉल्ट था। हाँ, अरे इंडिया में तो बहुत कॉमन है ऐसे डिफॉल्ट्स, ऐसे तो सभी कंपनीज डिफॉल्टर कहलाएगी ना। आप समझिए ना, आप पोजीशन समझिए, आप ये मत बोलिए कि सर 31 मार्च को कैसे, अरे ये माफीनामा, ये पता है ये इंडिया के अंदर में दिया गया, ये इंडिया के अंदर पॉइंट डाला गया कि हाँ यार इंडिया में नहीं कर सकते, इंडिया में ऐसा नहीं बोल सकते कि सबको करंट दिखा दो, इंडिया में प्रॉब्लम है, इसीलिए। समझ गए दीपा जी? क्लियर है? बैंक वेव आफ्टर, हाँ अरे रूबी जी आप जो बोल रहे हैं, अभी बस ला रहा हूं मैं क्वेश्चन, रुको तो सही। धन्यवाद उर्वशी जी, ये तो इजी है, बस बीओडी अप्रूवल देखना। अरे हर्षित जी अभी ट्विस्ट करूंगा ना मैं क्वेश्चन को, ट्विस्ट करूंगा ना, ऐसा थोड़ी है, गेन लॉस फ्रॉम एसोसिएट, हाँ वैभव जी वो सब बातें जब कंसोलिडेशन करेंगे तब देखते हैं, मुझे ध्यान में है वैभव जी आप जो बोल रहे हैं वो सब चीजें मैं आपको कंसोलिडेशन के समय बताऊंगा, आप उसका टेंशन मत लो, अभी यहां ध्यान दो। चलो अब सपोज कीजिए कि आपने बैंक से परमिशन ले ली, अरे बोले इंटरेस्ट पे कर देंगे ना, अभी क्या बोला, थोड़ा ऑफ सीजन है, पैसे वैसे नहीं है क्या, अभी कोविड वोविड आ गया ना, कोविड के कारण लॉकडाउन लग गया, हमारे क्लाइंट लोग पैसे नहीं दे रहे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद हो रखा है, थोड़ा टाइम दे दो, दे देंगे पैसे। तो बैंक ने बोला चलो ठीक है 30 जून के पहले पे कर देना, तो लोन वापस 5 साल, नहीं तो ऑन डिमांड, 30 जून तक पैसे नहीं मांग रहे हम आपसे, डेट ध्यान दो 30 जून। यहां पे क्या था, यहां कहानी सेम है, अप्रूवल 31 में, बैंक ने हमको बोला 30 जून तक का टाइम दे रहे हैं आपको, 30 जून तक के पैसे दे दो, ठीक है, तो लोन वापस 5 साल, नहीं तो नहीं, यानी बैंक से परमिशन मिल गई है, एक्सटेंशन मिल गया है, पर डिफॉल्ट एग्जिस्ट करता है। 31 मई तक आपने इंटरेस्ट पे ही नहीं किया, इंटरेस्ट आपको बैंक ने बोला है 30 जून तक पे कर दो, अभी ये वाला केस नहीं है, अभी ये मैंने काट दिया, आपने पे किया ही नहीं, आप गड़बड़ समझ रहे हैं क्या हो गया यहां पे, आपने पे ही नहीं किया, 30 जून तक का टाइम दिया है बैंक ने और 31 मई तक आपने पे नहीं किया, पर बैंक बोल रही है 30 जून तक पैसे नहीं मांगेंगे हम तुमसे, 30 जून तक इंटरेस्ट पे कर दो, अब बोलो करंट की नॉन करंट। इफ पेंडिंग अप्रूवल फ्रॉम बैंक ऑन अप्रूवल डेट, हैट्स ऑफ सर, बहुत अच्छा, धन्यवाद हर्षित जी। सर ऐसे समरी चार्ट बनाते जाओ रिविजन के लिए, हाँ अरे बनाते जाऊंगा मैं प्रथमी जी, और कभी भूल गया तो आप मेरे को बोल देना सर बनाओ, जहां मैं नहीं बना पाऊंगा वहां आपको बोल दूंगा कि नहीं बना सकता। अब करंट, शाबाश शाबाश,
आपने रेक्टिफाई नहीं किया, आपने रेक्टिफाई नहीं किया, या आपने रेक्टिफाई किया है आफ्टर बीओडी अप्रूवल। करंट, करंट, समझ गए, क्लियर कंसेप्ट। चलो अभी इसको नो लिख के कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये इसको मैं नॉट एप्लीकेबल कर देता हूं एक प्रकार से, इसको मैं एक प्रकार से नॉट एप्लीकेबल कर देता हूं, बैंक परमिशन वाली कहानी, इसको जाने दो, क्योंकि बैंक की हमने रेक्टिफाई कर दिया पर बैंक की तरफ से अप्रूवल आना बचा है, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछेगा नहीं आपको। ठीक है, यहां तक समझ गए आप लोग? सी एज यू सेड डिफॉल्ट पेड एंड अप्रूवल रिसीव्ड बिफोर बीओडी अप्रूवल। सी एज मैंने डिफॉल्ट पेमेंट, उर्वशी जी बोला कि पेमेंट बीओडी अप्रूवल के 31 मई तक नहीं हुआ है, बोला मैंने आपको, आप हाँ सुनने में गड़बड़ हो रही है, मैंने बोला आपने 31 मई तक पे नहीं किया है, बैंक ने बोला हाँ चलो 30 जून तक दे देना, आपने 31 मई तक पे नहीं किया इंटरेस्ट, मैंने ये बोला, समझ गए, ऐसे में करंट, ऐसे में करंट। ठीक है चलो अभी आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ रिकॉर्डेड रहेगी, आपसे डिफॉल्ट हुआ नहीं पर हो सकता था, मार्च में कोविड के केसेस पीक पे थे, हालत खराब थी इंडिया की, आपको पता था पैसे नहीं मिलेंगे, हमारे यहां तो लॉकडाउन फरवरी से लग गया था, फरवरी नहीं मार्च, मार्च से ही लग गया था, 10 या 11 मार्च को लॉकडाउन डिक्लेयर कर दिया, ठीक है हमारे नागपुर में तो डिक्लेयर हो गया था, तो आपने लॉकडाउन डिक्लेयर कर दिया, मेरे को पता है मैं बैंक को पे नहीं कर पाऊंगा, 31 मार्च तक का टाइम दिया बैंक ने, पे नहीं कर पाऊंगा, मैं बैंक के पास गया, मैंने बैंक मैनेजर को बोला यार बैंक मैनेजर मुश्किल है पे करना, नहीं पे कर पाऊंगा मैं, अभी 31 मार्च स्कोप ही नहीं है, पैसा ही आना मुश्किल है, लॉकडाउन है, कौन पैसा देता है लॉकडाउन में, तो बैंक ने बोला हाँ चलो ठीक है 30 जून तक दे देना, कोई बात नहीं, मैनेजर अपना परिचित है, अपना दोस्त है, डिफॉल्ट हुआ नहीं है मुझसे अभी तक, पर होने की उम्मीद में मैं बैंक के पास चला गया, यार डिफॉल्ट हो सकता है, बैंक ने बोला हाँ चलो ठीक है यार 30 जून तक का टाइम ले लो यार, क्या है घर की बात है, 30 जून तक के पे कर देना, समझ गए आप लोग क्या हुआ यहाँ पे। अब बताओ करंट या नॉन करंट, फाइनली 31 मार्च को पे नहीं किया, ठीक है करंट या नॉन करंट, फटाफट बताइए, वेवर आफ्टर पोस्ट बैलेंस शीट। अच्छा अच्छा हर्षित जी मेरा इंटरप्रिटेशन एरर था, चलो ठीक है सर, वेवर आफ्टर पोस्ट बैलेंस शीट डेट, प्रथमी जी क्वेश्चन क्या एग्जैक्ट मुझे नहीं समझ में आया, तब तो लोन करंट हो जाएंगे, आफ्टर अप्रूवल नॉन करंट, नॉन करंट, नॉन करंट, नॉन करंट, नॉन करंट, हाँ क्योंकि अभी डिफॉल्ट हुआ ही नहीं, जो कंडीशन थी पहले 28 दिन की वो कंडीशन ही बैंक ने 30 जून तक कर दी, तो कंडीशन ही अगर बैंक ने चेंज कर दी है तो मुझसे डिफॉल्ट होना ही नहीं है, डिफॉल्ट होने के पहले ही प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, है ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, हम बैंक के पास गए, हमने बैंक से कंडीशन ले लिया, इस केस में ये लोन नॉन करंट ही रहेगा, डिफॉल्ट हुआ कहां मुझसे, डिफॉल्ट हुआ ही नहीं मुझसे, ये क्वेश्चन है इंस्टीट्यूट की बुक में, आपके बुक में एंड में टेस्ट या नॉलेज के अंदर क्वेश्चन है, मैं दिखाऊंगा नहीं, मैं कराऊंगा भी नहीं, आप लोग समझ गए होंगे, अभी इस बेसिस पे पूरा का पूरा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, मुझसे डिफॉल्ट हुआ ही नहीं तो नॉन करंट, डिफॉल्ट हुआ पर बैंक ने बोला हाँ चलो ठीक है पे कर देना, मैंने पे भी कर दिया बीओडी अप्रूवल के पहले, बीओडी अप्रूवल के पहले मैंने रेक्टिफाई भी कर दिया तो नॉन करंट, ये अमेंडमेंट है, पर बीओडी अप्रूवल के बाद रेक्टिफाई कर रहा हूं करंट, बीओडी अप्रूवल के बाद रेक्टिफाई कर रहा हूं करंट, समझ गए, बैंक परमिशन बाद में मिली ऐसा होता नहीं है, तो बस इतना ध्यान में रखो। है किसी को और कोई क्वेश्चन? हम तो रहे हैं सर आपके पैसे, हम दे रहे हैं आपके पैसे, अच्छा अच्छा नॉट ब्रीच, सबको क्लियर, किसी को कोई दिक्कत? तो बस चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया, अभी देखा जाए तो मुझे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पे शिफ्ट होना पड़ेगा, आप लोगों के कोई डाउट्स है तो अभी क्लियर कर लो, पर मैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आज शिफ्ट नहीं कर रहा, एकदम यही चैप्टर में इतना होने के बाद एकदम से अगर हाई लेवल चैप्टर के ऊपर शिफ्ट करेंगे दिक्कत हो जाएगी, मैं आप लोगों को बता दूंगा अभी आगे हम लोग क्लासेस किस तरह से लेंगे। अनंत जी का कहना है सर इन केस टू व्हाट इफ पेड आफ्टर 31 मई बिफोर 30 जून वी कैन क्लासिफाई करंट एज नॉन करंट फॉर प्रीवियस ईयर। नहीं अनंत जी नहीं कर सकते, एक बार बीओडी अप्रूवल हो गया कहानी खत्म, नाउ द बॉल इज आउट ऑफ योर कोर्ट, एक बार बीओडी अप्रूवल के बाद अब आप कुछ भी करो इट डजंट मैटर, 30 जून के पहले आप पे कर दो लोन तो हम करंट ही दिखाएंगे। आपको क्या बोला गया है, आपको एग्जेम्पशन सिर्फ 31 मई तक का दिया हमने,
उसके आगे नहीं देंगे, उसके आगे नहीं देंगे, समझ गए? चलो तो अब मैं आप लोगों को कुछ बातें बता देता हूँ कि आगे केसेस क्लासेस किस तरह से होगी। कल की तो अपनी क्लास ऐसी रहेगी यूट्यूब के ऊपर पब्लिक। अब जिन लोगों ने एडमिशन ले लिया और जो लोग एडमिशन लेने वाले हैं, आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को मुझे आपका एक ईमेल आईडी देना है। ध्यान दीजिएगा, कौन सा ईमेल आईडी? वो ईमेल आईडी जिससे आप यूट्यूब एक्सेस करते हैं, जिससे आप यूट्यूब एक्सेस करते हैं ना, यूट्यूब पे आप लोग अभी जो कमेंट कर रहे हैं ना, नीचे चैट कर रहे हैं, वो आपने जिस ईमेल आईडी से लॉगिन करके रखा है, वो ईमेल आईडी आपको मुझे मेल, यानी जिन लोगों ने एडमिशन ले लिया वो लोग सब भी मुझे मेल करेंगे। परसों से क्या होगा, यूट्यूब प्राइवेट पे क्लासेस होंगी। वो YouTube प्राइवेट की जितनी लिंक्स हैं आने वाले 28 डेज की, ये दो दिन के बाद के 28 डेज बोल रहा हूँ, पहले दो दिन तो फ्री है ना, उसके बाद के 28 डेज, ये मैं पूरे आपको मेल कर दूंगा लाइव क्लास की लिंक, डे वाइज, डेट वाइज पूरे के पूरे लिंक मैं आपको एक साथ मेल कर दूंगा, कल आपको मेल आ जाएंगे। वो लिंक्स आप अपने इसी ईमेल आईडी के साथ एक्सेस कर पाएंगे, जिस ईमेल आईडी से आपने ये यूट्यूब में लॉगिन करके रखा है, कोई और ईमेल आईडी से आप उन लिंक्स को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है? तो जिन्होंने एडमिशन लेके रखा है उन लोगों को वो यूट्यूब लिंक्स मिलेगा, इसे हम YouTube प्राइवेट बोलते हैं। ये क्लासेस YouTube पे सिर्फ लाइव चलेगी, जब लाइव खत्म हो गया तो ये क्लासेस YouTube पे नहीं रहेगी। तो पीछे से आप कैसे देखेंगे, तो देखिए एक मिनट रुकिए, मैं जरा ये रिकॉर्डिंग बंद कर दूं।